नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे यूपीएससी यानी कि सिविल सर्विस प्रीलिम्स 2014 का पेपर फर्स्ट, जिसे आप लोग सामान्यतः पेपर फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं। और आप जानते हैं कि प्रीलिम्स में आपके दो पेपर होते हैं, एक पहला जो सामान्य अध्ययन का होता है जीएस का, और दूसरा आप जिसे सीसेट कहते हैं। लेकिन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण पेपर रहता है पहला ही। इसी के आधार पर आप देखते हैं कि आपकी मेरिट लिस्ट बनती है और आप मुख्य परीक्षा में पहुंच पाते हैं। और याद रखिए, आपके सिविल सर्विस से संबंधित यानी कि यूपीएससी से संबंधित आपके दिमाग में कोई भी सवाल है, कोई भी प्रश्न है, तो आप लोग पर उन क्लासों को देख लीजिए, इनसे जो पहले हम लोग ले चुके हैं। और इसके लिए एक हम लोगों ने क्या किया हुआ है, आपकी प्लेलिस्ट सूची ही सेपरेट बना दी है, उसका नाम है सिविल सेवा परीक्षा के नाम से। इसमें जाकर आप देखेंगे तो आपके सभी सवालों के जवाब बहुत ही साधारण भाषा में मिल जाएंगे आपको। अगर आपको यूपीएससी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तब भी आप देखिए वहां जाकर आप उसमें आपका पैटर्न क्या होता है, प्रीलिम्स के बारे में, मुख्य परीक्षा के बारे में, इंटरव्यू, और देखिए आप लोग इससे जुड़े हुए जितने भी सवाल हैं आपके, सभी के जवाब देने की कोशिश की गई है। फिर भी आपको लगता है कि किसी सवाल का आंसर नहीं मिल रहा है, जवाब नहीं मिल रहा है, तो आप बताइएगा, उसका भी हम लोग जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और याद रखिए, आपके 2011 का प्रीलिम्स का पेपर फर्स्ट, 2012 का, 2013 का, ये तीन पेपर हम सॉल्व करवा चुके हैं, और आप सभी जान रहे हैं कि बहुत ही हम लोग विस्तार से बात कर चुके हैं इन पर, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग 2014 का प्रीलिम्स का पहला पेपर। तो इसमें आप देखिए कि ये आपका ए सेट है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि चार टेस्ट आपके चार सीरीज में आते हैं, ए बी सी डी। इसमें आप जानते हैं कि ये 2 घंटे का होता है, और आप सभी को मालूम होगा कि 200 नंबर का भी रहता है। कितना? 200 नंबर का रहता है, और 100 क्वेश्चंस रहते हैं, और याद रखिए माइनस मार्किंग है इसमें, तो आप तुक्का बड़े देख सोच के लगाया करिएगा। चलिए तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछ रहा है पहला क्वेश्चन हमसे? गन्ना उत्पादन की एक व्यावहारिक उपागम का, जिसे धारणीय गन्ना उपक्रमण के रूप में जाना जाता है, इसका क्या महत्व है, बताइए। इसमें आपके चार ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन कह रहा है, कथन कह रहा है, कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है। दूसरा कथन कह रहा है, इसमें 54 ड्रिप सिंचाई का प्रभावकारी प्रयोग हो सकता है। और तीसरा कह रहा है, इसमें रासायनिक अकार्बनिक उर्वरकों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता। चौथा कह रहा है, कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें अंतरासस्यन की ज्यादा गुंजाइश है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। क्या करना है? सही उत्तर चुनना है। एक बात और आपको बता देता हूं, देखिए इस लाइन को आप लोग 1 से 2 बार पढ़ लिया करिएगा अच्छे से, क्योंकि आप देखेंगे इस लाइन की वजह से आते हुए क्वेश्चंस गलत कर बैठते हैं। आप देखिए यहां लिखा होता कि सही नहीं है, तो आप सभी जानते हैं कि इसका आंसर तुरंत बदल जाता, इसका आंसर और कुछ होता। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि सही है, यानी कि आपको इन सभी कथनों में से सही कथन चुनना है। तो इसमें आप देखेंगे कि चारों कथन आपकी बिल्कुल सही है। क्या है? चारों कथन बिल्कुल सही है। धारणीय गन्ना उपक्रमण में अपनाए जाने वाले सिद्धांत निम्नलिखित होते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि एकल कली नर्सरी तैयार करना, जो 25 से 30 दिनों के पौधों को रोपना, पौधों के बीच आप देखिए 4.6x2 फुट का अंतर रखना, इससे बीज की लागत कम आती है, यानी कि आप गैप दे के छोड़ेंगे तो आप देखिए बीज की लागत कम ही आएगी, और पौधों पर पर्याप्त नमी पहुंचाना, और खेती में जल भराव पद्धति से पानी नहीं देना, यानी कि ड्रिप सिंचाई की बात हो रही है, पानी बचाओ की। और देखेंगे आप लोग कि इसमें ऑर्गेनिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देना और अंतरासस्यन पद्धति को अपनाना। तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे? डी ऑप्शन, क्योंकि आपके चारों कथन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने दूसरा, यदि अंतरराष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्रभूमि को मोंटियो रिकॉर्ड के अधीन लाया जाए तो इससे क्या अभिप्राय है?
इनका कहने का मतलब क्या है? ये कह रहे हैं कि यदि अंतरराष्ट्रीय महत्व की किसी आद्यभूमि को मोंटियो रिकॉर्ड के अधीन लाया जाए, तो इससे इसका मतलब क्या होता है? एक तरह से इनका कहना यही है। पहला ये कथन कह रहा है कि मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आद्यभूमि में पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हो गया है और हो रहा है या होना संभावित है। बी कह रहा है जिस देश में आद्यभूमि अवस्थित है उसे आद्यभूमि के कोर से 5 किलोमीटर के दायरे में मानव क्रियाकलाप को निषिद्ध करने के लिए विधि अधिनियमित करना चाहिए। सी कह रहा है इसमें आपका आद्यभूमि का बचा रहना इसके आसपास रहने वाली कतिपय समुदायों की सांस्कृतिक प्रथाओं और परंपराओं पर निर्भर है और इसलिए उसके अंदर की सांस्कृतिक विविधताओं को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। और डी कह रहा है इसे विश्व विरासत स्थलों की स्थिति प्रदान की गई है। इसमें क्या लगाओगे आप? सही, तो इसमें होगा आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही। आद्यभूमि के संदर्भ में मोंटियो रिकॉर्ड से आशय इसका मतलब यही होता है कि मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आद्यभूमि में पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है या होना संभावित है। तो इसमें आप लोग ए ऑप्शन आपका दूसरे में बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने तीसरा, क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में अलग होते हैं यानी कि पृथक किया जाता है? यानी कि सीधा सा कहने का मतलब इनका ये है 10 अंश ये जलमार्ग किन किन दो महाद्वीपों को अलग करता है, किन द्वीपों को अलग करता है? एक है आपका अंडमान निकोबार, दूसरा कह रहा है निकोबार एवं सुमात्रा, और सी कह रहा है मालदीप और लक्षद्वीप, डी कह रहा है सुमात्रा एवं जावा। तो इसमें आप सभी को मालूम है कि आपका ए ऑप्शन सही है, ए अंडमान और निकोबार को अलग करता है जो आपकी 10 डिग्री एक तरह से कह सकते हैं आप, ठीक है 10 अंश। तो इसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने चार, निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। ये आपके कार्यक्रम यानी कि परियोजना हो गई, ये मंत्रालय हो गए, यानी कहने का मतलब है कि कौन सी परियोजना किस मंत्रालय से जुड़ी हुई है। तो इसमें आप देखेंगे सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम कृषि मंत्रालय, मरुस्थल विकास कार्यक्रम पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, और इसमें आपका सी कह रहा है मरुस्थल विकास कार्यक्रम, तीसरा है वर्षा पूरित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना, एक ग्रामीण विकास मंत्रालय। इन तीन में से आपका कौन सा सही है? तो याद रखिए इसमें कोई भी आपका बिल्कुल भी सही नहीं है, तीनों आपके बिल्कुल गलत है। अब गलत क्यों है? क्योंकि आपको बता दूं कि सूखा प्रवण क्षेत्र एक ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, किसके? ग्रामीण विकास मंत्रालय के। और अगर आपसे मरुस्थल विकास कार्यक्रम की बात करें तो ये याद रखिए ग्रामीण, ये आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और वर्षा पूरी क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना ये आपकी कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आती है। एक बार फिर से सुन लीजिए, जो सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम है ये आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और मरुस्थल विकास कार्यक्रम ये भी आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और वर्षा पूरी क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना ये याद रखिए ये आपकी कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ठीक है? तो इसमें सही पूछा था लेकिन आप देख रहे हैं कि कोई भी सही नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन आप लोग लगाएंगे इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने पांच, क्या पूछ रहा है? बंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, क्या करना है? विचार करना है। पहला कथन इसमें कह रहा है आपसे यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है, दूसरा कह रहा है यह क्रिया आधारित अनुसंधान शिक्षा लोक जागरूकता के माध्यम से प्रवृत्ति
प्रकृति को बचाने का प्रयास करता है। तीसरा कह रहा है यह आम जनता के लिए प्रकृति खोज यात्राओं और शिविरों का आयोजन और संचालन करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, यानी कि आपको सही कथन चुनना है। क्या करना है, सही कथन इसमें से देखना है। तो याद रखिए इसमें आप लोग दो और तीन कथन बिल्कुल सही है। बंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी पिछले 130 वर्षों, यानी कि आप देखिए कि ये 1883 से प्रारंभ हुआ था, आप समझ रहे हैं, 1883 में से प्रारंभ हुआ था और सदस्यों द्वारा बनाया गया संगठन था जो कि प्राकृतिक भारत के उद्देश्य को प्रोत्साहित करता है। और यह संगठन प्रारंभ में बंबई के 8 नागरिकों द्वारा प्रारंभ किया गया था जिसमें 2 भारतीय भी थे। यह क्रिया आधारित अनुसंधान शिक्षा व लोक जागरूकता के माध्यम से प्रकृति को बचाने का प्रयास करता है और इसके साथ साथ आम जनता के लिए प्रकृति की खोज यात्राओं शिविरों का आयोजन और संचालन भी करता है। तो यह 1883 से शुरू हुआ था, तो इसमें आपका सी होगा क्योंकि 2 और 3 कथन बिल्कुल सही है। 2-3 कथन कैसा है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने छठवा, क्या कह रहा है, भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इन 4 में से आपको सही कथन चुनना है। यह जैव विविधता पर अभी समय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभी समय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। बी कह रहा है यह भूमंडलीय स्तर पर पर्यावरण के मुद्दों पर वैज्ञानिक अनुसंधान करता है। सी कह रहा है यह OECD के अधीन एक अभिकरण है जो अल्प विकसित देशों को उनके पर्यावरण की सुरक्षा के लिए विशिष्ट उद्देश्य से प्रौद्योगिकी और निधियों का अंतरण सुकर बनाता है। और डी कह रहा है दोनों ए बी दोनों सही है। तो इसमें आप देखिए ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा, क्या रहेगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा की स्थापना आप देखेंगे अक्टूबर 1991 में की गई थी और प्रारंभ में इसमें $1 अरब का निवेश किया गया था और यह जैव विविधता का अभी समय और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभी समय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। तो इसमें आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने 7, ये कह रहा है सौर शक्ति उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या करना है, विचार करना है, कैसे करोगे विचार। इसमें एक कथन कह रहा है विकास वोल्टीय विक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो विकास के विद्युत में प्रत्यक्ष रूपांतरण द्वारा विद्युत जनन करती है, जबकि सौर तापी विक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो सूर्य की किरणों का उपयोग ताप जनित करने के लिए करती है और जिसका आगे विद्युत जनन प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। दूसरा कह रहा है विकास वोल्टीय विक्रिया प्रत्यावर्ती धारा का जनन करती है जबकि सौर तापी विक्रिया दृष्ट धारा का जनन करती है। और तीसरा इसमें कह रहा है कि भारत के पास सौर तापीय प्रौद्योगिकी के लिए विनिर्माण आधार है किंतु विकास वोल्टीय प्रौद्योगिकी के लिए नहीं है। इनमें से आपको सही कथन चुनना है, क्या करना है, सही कथन चुनना है। तो आपको बता दूं इसमें एक कथन आपका बिल्कुल सही है, बाकी 2 और 3 बिल्कुल सही है। प्रकाश वोल्टीय विक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो कि प्रकाश के विद्युत में प्रत्यक्ष रूपांतरण द्वारा विद्युत जनन करती है और जबकि आप सौर तापीय विक्रिया की बात करें तो एक प्रौद्योगिकी है जो सूर्य की किरणों का उपयोग ताप जनित करने के लिए करती है और जिसको आगे विद्युत जनन प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या ऑप्शन लगाओगे, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन हमारे सामने 8, क्या कह रहा है, निम्नलिखित भाषाओं पर आपको विचार करना है। निम्नलिखित भाषाओं पर क्या करना है, विचार ही करना है, कैसे करोगे विचार। गुजराती कन्नड़ तेलुगु उपयुक्त में से किसको सरकार ने क्लासिक भाषाएं घोषित किया है, बताइए इसमें क्या करोगे। तो याद रखिए इसमें आपका कन्नड़ भी है और तेलुगु भी है। 2004 की अधिसूचना के अनुसार अब देखेंगे आप लोग
कि इसमें जिन भाषाओं को श्रेष्ठ भाषा घोषित किया गया, वे तमिल हैं, संस्कृत हो गई, तेलुगु हो गई, कन्नड़ हो गई, मलयालम, उड़िया। और आप देखते हैं कि हमारे संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, इसमें भी आप देखते हैं कि 22 भाषाएं हैं। तो इसमें आपका 2 और 3 बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने 9। निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है, क्या करना है, विचार ही करना है। दंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम, गोमटी वन्यजीव अभयारण्य सिक्किम, शरावती शिखर ए नागालैंड। उपयुक्त युग्मों में से कौन सही सम्मिलित है बताइए, इसमें सही सम्मिलित क्या है। तो याद रखिए सभी आपकी बिल्कुल सही है, क्या है, बिल्कुल सही है। जो आपका दंपा टाइगर रिजर्व है ये मिजोरम में देखने को मिलेगा, और जो आप देखते हैं शिखर, ये आपका जो सारामती शिखर है ये नागालैंड की सीमा पर देखने को मिलेगा, और गोमटी वन्यजीव अभयारण्य ये आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा। कहाँ, सिक्किम में। तो इसमें आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्या होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 10। वेटलैंड्स इंटरनेशनल नामक संरक्षण संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। इसमें पहला कथन कह रहा है कि यह रामसर अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा बनाया गया एक अंतर सरकारी संगठन है। दूसरा कह रहा है यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए तथा व्यवहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है, और इसका इनमें आपको सही उत्तर चुनना है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही चुनना है आपको। कैसे चुनोगे सही बताइए, सही कैसे चुनोगे। तो याद रखिए इसमें केवल आपका दूसरा कथन बिल्कुल सही है, क्या है, दूसरा कथन बिल्कुल सही है, यानी कि आप लोग क्या लगाओगे, बी ऑप्शन। यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए तथा व्यवहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु समपक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 11। ब्रिक्स के रूप में ज्ञात देशों के एक समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन रियो दे जेनेरो में 2009 में हुआ था, और दूसरा कह रहा है दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स समूह में अंत में शामिल हुआ था। इनमें से आपको सही कथन चुनना है, क्या करना है, सही कथन आपको देखना है। और याद रखिए ब्रिक्स में हम लोग भी शामिल है, इंडिया भी शामिल है, ये भी याद रखिएगा। और याद रखिएगा इस तरह के कोई भी संगठन है और जिसमें भारत, खासकर भारत उसका मेंबर है, सदस्य है, तो उन संगठनों के बारे में विस्तार से जानकारी इकट्ठी कर लिया करिएगा, उनके बारे में अच्छे से याद रख लिया करिएगा, क्योंकि आप देखते हैं कि हर बार संगठनों से दो चार क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में आ रहे हैं, और हर बार आ रहे हैं, ठीक है। और वैसे आपके संगठनों के बारे में हम लोग विस्तार से बात कर चुके हैं, तो एक आपकी सूची ही बनी हुई है महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से, उसमें सभी संगठन डले हुए, अगर कोई छूटा हो तो बताइएगा, उसे भी हम लोग कवर करवा देंगे, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे केवल आपका दूसरा कथन सही है, क्योंकि आप देखेंगे ब्रिक, यानी कि आप देखिए अफ्रीका जब तक शामिल ना नहीं था, इसे ब्रिक्स नहीं कहते थे, ब्रिक करते थे, यानी कि BRIC कहते थे। और इसका पहला से संगठन हुआ था 16 जून 2009 को, का 16 जून 2009 को, और उस समय आप देखिए कि दक्षिण अफ्रीका इसका सदस्य नहीं था। दक्षिण अफ्रीका को औपचारिक रूप से 24 दिसंबर 2010 को इसमें शामिल किया गया था, ठीक है, और उसके बाद इसका नाम ब्रिक्स रख दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे, केवल दूसरा कथन बिल्कुल सही रहेगा। चलते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन आपसे, इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है।
क्वेश्चन है हमारे सामने 12। निम्नलिखित तो रोगों पर आपको विचार करना है, बीमारियों रोगों पर। डिप्थीरिया, छोटी माता जिन्हें आप लोग चिकन पॉक्स भी कहते हैं, चेचक, स्मॉल पॉक्स, और उपयुक्त में से किस रोग किन रोगों को भारत में उन्मूलन हो चुका है, यानी कि भारत से खत्म हो चुके हैं। तो इसमें क्या लगाओगे, क्या लगाओगे, कुछ तो लगाओगे ना, किन्ने लगाओगे? तो इसमें आपका उपयुक्त में से कौन सही है, तो यानी कि आपका केवल 3, चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स। मानव में चेचक रोग का भारत के अलावा विश्व में से 8 मई 1980 से विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने की रिपोर्ट के अनुसार उन्मूलन हो चुका है। तो इसमें केवल आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, केवल 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 13। निम्नलिखित में से किस घटना किन घटनाओं को जीवों के विकास को प्रभावित किया होगा, महाद्वीपीय विस्थापन, हिमानी चक्र। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर भी चुनना है, सही उत्तर भी देखना है। तो इसमें आप क्या करोगे, जीवों के विकास को प्रभावित किया होगा, तो याद रखिए महाद्वीपीय विस्थापन और हिमानी चक्र दोनों। इसमें आपके सी ऑप्शन होगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जैविक विकास को महाद्वीपीय विस्थापन और हिमानी चक्र जैसे कारकों ने प्रभावित किया होगा, यानी कि आपके दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही रहेंगे। क्वेश्चन है हमारे सामने 14। गंगा नदी डॉल्फिन की समष्टि में ह्रास के लिए शिकार चोरी के अलावा और क्या संभव कारण है, कहने का मतलब है कि आप देखते हैं कि गंगा में डॉल्फिन पाई जाती है, इनकी ह्रास यानी कि कमी देखी जा रही है, इनके क्या कारण है? शिकार तो आप देख रहे हैं एक कारण है, चोरी भी एक कारण है, इसके अलावा क्या कारण है ये आपको बताना है। इसीलिए कहता हूं क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से समझ लिया करिएगा, उससे क्या होता है कि अगर क्वेश्चंस समझ में आ गया आपको तो 50-60% काम आपका हो चुका है। तो इसमें कह रहा है कि नदियों पर बांधों और बराजों का निर्माण, दूसरा कह रहा है नदियों में मगरमच्छों की समष्टि में वृद्धि, तीसरा कह रहा है संयोग से मछली पकड़ने के जालों में फंस जाना, और चौथा कह रहा है नदियों के आसपास के फसल खेतों में संश्लिष्ट उर्वरकों और अन्य कृषि रसायनों का इस्तेमाल। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। तो इसमें आप देखेंगे एक आपका बिल्कुल सही है और तीसरा और चौथा बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आप उर्वरक उपयोग करते हैं ना ये नुकसान पहुंचाता है, और आप देखते हैं कि नदियों के पास जो खेत हैं उनसे बहकर जल आप देखेंगे नदियों में जाएगा, और इससे क्या होगा, इन्हें नुकसान होगा, बड़ी संख्या में एक तो नदियों पर क्या है बांध बनाए जा रहे हैं, बैराजों का निर्माण किया जा रहा है, गंगा नदी में खेतों से बहने वाले जो रासायनिक उर्वरक हो गए, कीटनाशक हो गए, इनसे जल प्रदूषण भी बढ़ता है, तो यही कारण इसके है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन था, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। क्वेश्चन है हमारे सामने 15। रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी, रेड क्लिफ समिति कमेटी किसके लिए नियुक्त की गई थी? तो इसमें आप देखेंगे क्या करोगे, पहला पूछ रहा है, ए कह रहा है, कथन कह रहा है भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या को सुलझाने के लिए, बी कह रहा है स्वतंत्रता विधेयक को कार्य स्वरूप में परिणता करने के लिए, सी कह रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए, डी कह रहा है पूर्वी बंगाल के दंगों की जांच करने के लिए। तो आप सभी जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए, और इसीलिए तो आप कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है उसे क्या कहते हैं, किस सीमा द्वारा अलग करते हैं एक दूसरे देश को, रेड क्लिफ सीमा द्वारा। चाइना को आप देखते हैं डूरंड रेखा, लेकिन इस रेखा को चाइना क्या करता है, मानता भी नहीं है, इसलिए आप देख रहे हैं कि विवाद भी चलता रहता है।
सी ऑप्शन है। क्वेश्चन है हमारे सामने 16। कई घरेलू उत्पादों जैसे गद्दों और फर्नीचर की गद्दियों अब अपहोल्स्टरी में ब्रोमीन युक्त ज्वाला बंधकों का उपयोग किया जाता है और उनका प्रयोग क्यों कुछ चिंता का विषय बना हुआ है? क्यों चिंता का विषय बना हुआ है? एक तो इसमें याद रखिए आपका एक कथन कह रहा है उनमें पर्यावरण में निम्नीकरण के प्रति उच्च प्रतिरोधकता है। दूसरा कह रहा है वे मनुष्यों पशुओं में संचित हो सकते हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है, यानी कि सही है, दोनों आपके बिल्कुल सही है। यही दोनों कारण है आप देखेंगे कि चिंता का कारण बना हुआ है। ब्रोमीन युक्त ज्वाला मंदक ब्रोमीन रसायन का एक प्रकार एक तरह का टाइप होता है और जिनको आप देखेंगे कई घरेलू उत्पादों जैसे गद्दों या फर्नीचर की गद्दियों में प्रयोग होता है और इनका प्रयोग का चिंता का विषय भी बना हुआ है क्योंकि उनमें पर्यावरण में निम्नीकरण के प्रति उच्च प्रतिरोधकता भी है और मनुष्यों और पशुओं में संचित हो भी हो सकते हैं। तो इसमें आपका एक और दो दोनों कथन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 17। निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। क्या कर रहा है? विचार करना है। चमगादड़, भालू, कृंतक, रोडेंड भी कहते हैं इसे, उपयुक्त में से किस प्रकार के जंतु में शीत निष्क्रियता की परिघटना का प्रेक्षण किया जा सकता है? तो इसमें आप देखिएगा आपकी तीनों में किया जा सकता है, इनमें आप देखिए शीत निष्क्रियता की प्रवृत्ति पाई जाती है, फिर चाहे आपका चमगादड़ हो, भालू हो, कृंतक हो, यानी कि इसमें आप क्या लगाओगे? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 18। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति या फिर याचिका समिति जिसे कमेटी ऑन पिटीशंस भी कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि सरकारी उपक्रम समिति। लोक लेखा समिति में आप सभी जानते हैं कि 22 सदस्य होते हैं जिसमें लोकसभा से 15 होते हैं, राज्यसभा से 7 होते हैं आपके। लोक उपक्रम समिति की बात करें तो इसमें आपके 30 सदस्य होते हैं जिसमें केवल इसमें आप देखेंगे केवल लोकसभा से 15 होते हैं, राज्यसभा से आपके 7 होते हैं और याचिका यानी कि याचिका समिति में 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 19। निम्नलिखित में से कौन से पृथ्वी ग्रह पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करते हैं? पृथ्वी क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन से या फिर पृथ्वी ग्रह पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करते हैं? ज्वालामुखी क्रिया, शोषण, प्रकाश संश्लेषण, जैव पदार्थ का क्षय। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है इसमें। तो एक तो आप जानते हैं कि ज्वालामुखी है इसमें, एक आपका शोषण बिल्कुल सही है और एक आपका जैव पदार्थों का क्षरण। प्रकाश संश्लेषण ऐसा कुछ भी नहीं करता है। ठीक है, कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान ज्वालामुखी क्रिया, शोषण, जैव पदार्थों के क्षय से होता है। ज्वालामुखी फटने पर आप देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और इसी प्रकार आप देखते हैं श्वसन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है यानी कि सांस लेने के बाद आप जो छोड़ते हैं। और जैव पदार्थों के क्षय में आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो फसलों वनस्पतियों के माध्यम से कार्बन चक्र में शामिल हो जाती है। तो इसमें आपका 1, 2, 4 रहेगा, यानी कि सी ऑप्शन आप लोग बिल्कुल सही है 19 में। क्वेश्चन है हमारे सामने 20। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20? ये कह रहा है आपसे कि यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से होकर गुजरते हैं तो आपको यह देखने को मिल सकता है कि अनेक प्रकार के पक्षी चरने वाले पशुओं भैंसों के पीछे पीछे चलते हैं और उनके घास में चलने से अशांत होने वाले कीटों को पकड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे पक्षी हैं? अगर आप लोग ग्रामीण क्षेत्रों में या आप लोगों ने कहीं गए होंगे
तो आप लोगों ने इस घटना को जरूर देखा होगा। तो चित्रित बलात् साधारण मैना काली गर्दन वाला सारस, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर भी चुनना है। तो इसमें याद रखिए साधारण मैना केवल होगी, यानी कि बी दूसरा ऑप्शन आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, केवल दो। आप देखते हैं पशु चलते हैं तो उनके पीछे पीछे आप देखते हैं चलते रहते हैं, तो इसमें आपका दो बिल्कुल केवल सही रहेगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन हमारे सामने 21, मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टिल पदनाम किस किन के लिए उपयुक्त होते थे? मध्यकालीन भारत की बात कर रहे हैं, इतिहास में पहुंच चुके हैं हम, बताइए इसमें क्या करोगे? सैन्य अधिकारी, दूसरा कह रहा है ग्रामीण ग्राम मुखिया, तीसरा कह रहा है वैदिक कर्मकांड के विशेषक, डी कह रहा है शिल्पी सैनियों के प्रमुख। तो याद रखिए ग्राम मुखिया, ग्राम गांव का प्रशासन गांव के मुखिया की देखरेख में होता था, और मध्यकालीन युग में महाराष्ट्र में इसको आप देखेंगे पटकिल और आंध्र प्रदेश में महत्तर के नाम से आप लोग जानते थे, तो इन्हें भी याद रखा करिएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने 22, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी सहचर है, बताइए इसमें क्या करोगे? पहला कह रहा है एक शैवाल और जीवाणु, बी कह रहा है शैवाल और कवक, सी कह रहा है जीवाणु और कवक, और डी कह रहा है कवक और मॉस। तो इसमें याद रखिए आपके शैवाल और कवक, लाइकेन एक अकेला जीव नहीं है, यह शैवाल और कवक या फिर साइका बैक्टीरिया का सहजीवी सहचर है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसमें क्वेश्चन है हमारे सामने 23, क्या कह रहा है 23, यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो आपको वहां निम्नलिखित में से किन पादपों को प्राकृतिक रूप में उगते हुए देखने की संभावना है? पहला कह रहा है, पहला है इसमें बांज, बुरुंस, चंदन, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर भी चुनना है। तो ये याद रखिए बांज और बुरुंस पहाड़ों के ढलान पर उगते हैं, हिमालय की 1500 मीटर की ऊंचाई तक आप देखेंगे सदाबहार पेड़ों के रूप में बहुत देखने को मिल जाएंगे, और 1500 से 3500 मीटर तक ऊंचाई तक आप देखेंगे पाइन हो गया, फर हो गया, ओक हो गया, मेपल, देवदार, पन्नाग, देवदारू, और आप देखेंगे इसमें पेड़ उगते हैं इसे, और इससे अधिक और ऊंचाई पर आप जाएंगे तो रोडोडेंड्रोस और जूनियस पाए जाते हैं। इससे आगे आप पहाड़ों पर आप देखते हैं कि बर्फ पर अल्पाइन ग्रासलैंड पाई जाती है। चंदन की लकड़ी के पेड़ दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर आपको देखने को मिलेंगे, इसके अतिरिक्त कुछ दूसरी पर्वत श्रृंखलाओं जैसे कलराइन सेवरोन की पहाड़ियों में आपको देखने को मिलेंगे चंदन, चंदन की लकड़ी इसका आप देखते हैं महंगी भी होती है, इसीलिए स्मगलिंग भी होती है इसकी। तो इसमें आप लोग क्या लगाओगे? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। एक और दो क्वेश्चन है हमारे सामने 24, निम्नलिखित में से कुछ महत्वपूर्ण विदूषक हैं जो भारत में इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किए जाते हैं, इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किए जाते हैं, निकाले जाते हैं यानी कि। तो इसमें पहला क्या कह रहा है इसमें आपसे? सल्फर के ऑक्साइड, दूसरा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तीसरा कार्बन मोनोऑक्साइड और चौथा कार्बन डाइऑक्साइड, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही चुनना है। इसमें आपके चारों रहेंगे, क्या रहेंगे? चारों रहेंगे। लोहा और स्टील उत्पादन के दरमियान आप देखेंगे उत्पन्न होने वाले वायु प्रदूषण वास्तव में पर्यावरण के लिए एक समस्या भी है, और इस वायु प्रदूषण में गैस जनित पदार्थ जैसे सल्फर ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सभी आपको देखने को मिलेंगे, इसीलिए वायु प्रदूषित भी होती है। अब तो आप सुनते हैं मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, अब देखिए बचा क्या है, इसमें हमारा सबसे ज्यादा योगदान भी है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 25, क्या पूछ रहा है?
ये कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। बुद्ध, मैं हर बार कहता हूं आप लोगों से कि जैन धर्म और बुद्ध धर्म को आप लोग विस्तार से पढ़ लिया करिएगा, इनके बारे में एक पॉइंट भी देख लेना, क्योंकि आप देखते हैं हर बार आपकी परीक्षा में दो तीन क्वेश्चन इससे आते रहते हैं और आपको लगते होंगे कि बहुत छोटी संख्या है, लेकिन दो तीन चार क्वेश्चन होना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और बहुत दुख होता है जब आप देखते हैं कि दो तीन क्वेश्चन से कोई पीछे रह जाए। पहला है इसमें अवंती, दूसरा गंधार, तीसरा कौशल, चौथा है मगध। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। इसमें आप क्या देखेंगे, तो इसमें आपका कौशल और मगध। बुद्ध के जीवन काल में आप देखिए कि उनका संबंध अवंती और गंधार से कभी नहीं रहा है, कौशल और मगध से रहा है, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 26। प्रत्येक वर्ष कतिपय विशिष्ट समुदाय या जनजाति पारिस्थितिक के रूप में से महत्वपूर्ण मास भर चलने वाले अभियान त्योहार के दौरान फलदार वृक्षों की पौध का रोपण करती है, निम्नलिखित में से कौन से समुदाय या जनजाति है। तो आप सोचिए, जनजाति अपना काम करते हैं, आप सोचिए पेड़ लगाते रहते हैं अगर वो वहां रह रहे हैं तो, लेकिन हम देखिए सफाई करते जा रहे हैं। और हकीकत में आपको अगर किसी की संस्कृति अभी बची हुई है, कोई अपना बचा के रखा हुआ है, तो वो है जनजाति। आप देखिए अभी भी वो अपनी पुरानी ही संस्कृति में यानी कि कल्चर में जीते रहते हैं, और हम लोगों ने देखिए अपनी संस्कृति को कहाँ छोड़ के कहाँ निकल चुके हैं या फिर निकलते जा रहे हैं, तो ये भी है कहानी। इसमें आपका भूटिया और लेपचा, बी कह रहा है गोंड और कोरकू, सी कह रहा है एरोला और तोड़ा, और डी कह रहा है सहरिया और गरिया। तो याद रखिए इसमें आपके गोंड और कोरकू है। प्रत्येक वर्ष आप देखेंगे ऋतु में मध्य प्रदेश के बैतूल हो, हरदा जिले के गोंड और कोरकू जनजाति हरी जिरोती पर्व मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं। वह एक एक माह तक चलने वाला पर्व होता है जिसमें फलदार वृक्षों का पौधा रोपण किया जाता है, यानी कि फलदार वृक्ष लगाए जाते हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने 27। विक्रय कर जिसका भुगतान आप कोई टूथपेस्ट खरीदते समय करते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर है, बताइए इसमें किस प्रकार का कर है। और एक बात आपके मन में, कई लोगों के मन में रहती है कि हम डायरेक्ट टैक्स नहीं देते, यानी कि हम टैक्स नहीं देते हैं। एक बात आपको बता दूं, कोई भी हो इस भारत में, गरीब से गरीब व्यक्ति और अमीर से अमीर व्यक्ति इनडायरेक्ट टैक्स देता है। कि आप लोग माचिस तो खरीदते होंगे आग जलाने के लिए, अगर आप लोग कितने भी गरीब हो, कोई भी कितना भी गरीब हो, तो आप देखेंगे उस पर आपका इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। आप साबुन तो खरीदते होंगे, आज तो आजकल तो आप देख रहे हैं कि मोबाइल उठा के देख लीजिए, उस पे मोबाइल के डिब्बे पर आपको देखने को मिलेगा, आप इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। और डायरेक्ट टैक्स से ज्यादा आप देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्स लोगों के द्वारा दिया जाता है, हर सामान पर आप देखते हैं कि दिया जाता है। इसलिए ये मत कहिए कि आपका योगदान नहीं है, आप लोगों का ही योगदान सबसे ज्यादा है। और सरकार यानी कि आपके नेता कोई, आप देखिए मेहनत थोड़ी करते हैं, या अपने घर से दे देते हैं आपको, कुछ दे रहे हैं, आपका ही कमाया आपको ही लौटा रहे हैं। खैर छोड़िए इस बात में क्या रखा है। पहला कह रहा है कि ए कह रहा है केंद्र सरकार द्वारा आरोपित कर, बी कह रहा है केंद्र सरकार द्वारा आरोपित किंतु राज्य सरकार द्वारा संज्ञित कर, सी कह रहा है राज्य सरकार द्वारा आरोपित किंतु केंद्र सरकार द्वारा संज्ञित कर, और डी कह रहा है राज्य सरकार द्वारा आरोपित और संज्ञित कर। तो याद रखिए इसमें आपका डी है। अब तो आप सभी जान रहे हैं कि आपका जीएसटी आ चुका है, तो इसमें आप लोग याद रखिए। क्वेश्चन है हमारे सामने 28। जोखिम पूंजी से क्या मतलब होता है इसका, जोखिम पूंजी का मतलब क्या होता है। ए कह रहा है उद्योगों को उपलब्ध कराई गई अल्पकालीन पूंजी, बी कह रहा है नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी,
सी कह रहा है उद्योगों को हानि उठाते समय उपलब्ध कराई गई निधियां, डी कह रहा है उद्योगों को प्रतिस्थापन और एवं नवीकरण के लिए उपलब्ध कराई गई निधियां। तो इसमें आप लोग बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। जोखिम पूंजी का मतलब होता है कि ऐसे देखिए जिसमें प्रतिष्ठा में पूंजी शुरुआती अवस्था तथा खतरों वाला वाले व्यापार की दी के लिए दीर्घकालिक व्यवस्था के रूप में की जाती है। ठीक है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 29, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपको बता दूं कि देखिए योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आपका नीति आयोग आ चुका है 1 जनवरी 2015 को। अब आप देखिए कि आपकी पंचवर्षीय योजनाएं लागू नहीं होती हैं। 2017 तक आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना चली, उसके बाद आपने ये नहीं देखा है कि आपकी 13वीं पंचवर्षीय योजना आई, क्योंकि अब देखिए इस तरह की योजना बनाना एक तरह से इन्होंने खत्म कर दिया है। अब जो करता है नीति आयोग ही करता है आपका। ए कह रहा है इसमें समावेशी विकास और गरीबी न्यूनीकरण, बी कह रहा है समावेशी और धारणीय विकास, सी कह रहा है बेरोजगारी घटाने हेतु धारणीय और समावेशी विकास, डी कह रहा है तीव्रता धारणीय और ज्यादा समावेशी विकास। तो आप सभी जानते हैं कि इसमें डी ऑप्शन होगा और 2012वीं पंचवर्षीय 2012 से लेकर 2017 तक चली थी। और इसमें आप देखेंगे कि आपका लक्षित विकास दर 8% रखा गया था। आप सोचिए कि आजादी के बाद से ही गरीबी हटाओ या गरीबी कम करने की बात हो रही है, आज भी आप देखिए गरीबी चली आ रही है। ये कितनी बड़म्बना कहिए या कुछ भी कहिए, तो इसमें आपका क्या लगाओगे? डी। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे सामने 30, भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन से चालू खाता बनता है? व्यापार संतुलन, विदेशी परिसंपत्तियां, या तीसरा आदर्शों का संतुलन, और चौथा कह रहा है विशेष आहरण अधिकार। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही चुनना है। तो याद रखिए इसमें आपका 2 और 3 बिल्कुल सही है। भुगतान संतुलन के संदर्भ में चालू खाते के अंतर्गत आप देखें व्यापार संतुलन और आदर्शों के संतुलन की मदें आती है। विदेशी परिसंपत्ति और पूंजी खाते SDR विदेशी संपत्तियों के अंतर्गत आते हैं आपकी। ठीक है, इसमें आपका माफ करिए सॉरी यार, 1 और 3 होगा। इस तरह की अगर गलती हो जाती है तो आप लोग सुधार के बता दिया करिएगा। वैसे ऑप्शन तो मैं सही लगाने वाला था, लेकिन आपको जो व्याख्या की उसमें भी आपको सही बताया, लेकिन यहाँ गलत बता दिया। व्यापार संतुलन और आदर्शों की का संतुलन, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 31, सीमांत स्थायी सुविधा दर तथा निवल मांग और सावधि देयताएं पद संबंध कभी कभी समाचारों में देखे जाते हैं, उनका प्रयोग किसके संबंध में किया जाता है? अगर कोई शब्द चर्चा में रहता है, कोई न्यूज पेपरों में छाया जा रहता है, तो उनके बारे में जरूर आप लोग याद रखा करेगा। उनसे क्वेश्चंस कई बार आपसे पूछ लेता है, क्या करता है? पूछ लेता है। इसमें आपका पहला है बैंक कार्य, संचार नेटवर्किंग, युद्ध कौशल, कृषि उत्पादों की पूर्ति और मांग। तो इसमें आप देखें कि बैंक कार्य, सीमांत स्थायी सुविधा दर एक ऐसी दर है जिसमें दर पर बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के आधार पर रिजर्व बैंक से ऋण लेती है और यह वर्ष 2011 से प्रभावी है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 32, प्रश्न क्रमांक 32 क्या कह रहा है आपसे? ये कह रहा है कि शाखा रहित क्षेत्रों में व्यवसायिक संवाददाताओं जैसे बैंक साथी की सेवाओं द्वारा लाभार्थियों को कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती हैं? बताइए कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती है? शाखा रहित क्षेत्रों में व्यवसायिक संवाददाताओं यानी कि बैंक साथी की सेवाओं द्वारा लाभार्थियों को कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती हैं? एक कथन कह रहा है कि यह लाभार्थियों को अपने गाँव में अपने सहाय और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने योग्य बनाती है। दूसरा कह रहा है कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में
लाभार्थियों को धनराशि जमा करने व आहरण करने योग्य बनाती है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है इसमें से। तो बताइए, तो याद रखिए इसमें आपके दोनों कथन बिल्कुल सही है। क्या है? दोनों सरकार, दोनों बिल्कुल सही है। वित्तीय समग्रता के लिए भारत सरकार द्वारा फरवरी 2011 की बात है को राष्ट्रीय स्तर पर स्वाभिमान योजना का शुभारंभ किया था, और इस योजना का उद्देश्य समाज के दबे कुचले व्यक्तियों को आर्थिक प्रगति का लाभ बैंकिंग नेटवर्क द्वारा हर स्तर तक पहुंचाया जा सके, और सरकार यह भी आशा करती है कि इसके लाभ जन जन तक पहुंच सके। एक तरह से आप लोगों ने जनधन खाता सुना है ना, जनधन योजना के अंतर्गत खाते खोले थे, उसका भी आप देख सकते हैं कि यही उद्देश्य है एक तरह से। तो इसमें आपके दोनों सही हैं। और आपने देखा है कि जिन लोगों के पास बैंक जाने की बैंक तक पहुंच ही नहीं थी, उनमें आप देख रहे हैं कि करोड़ों लोगों तक पहुंच चुकी है आपकी बैंक जनधन खाता के जरिए। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 33, इसमें आपका सी होगा, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सांविधिक आरक्षित आवश्यकताओं का के उद्देश्य हैं? और इसमें आपका एक कथन कह रहा है कि केंद्रीय बैंक को बैंकों द्वारा निर्मित की जा सकने वाली अग्रिम राशियों पर नियंत्रण रखने की सक्षमता प्रदान करना। दूसरा कह रहा है बैंकों में जनता की जमा राशियों को सुरक्षित व तरल रखना। तीसरा कह रहा है व्यावसायिक बैंकों को अत्यधिक लाभ कमाने से रोकना। और चौथा कह रहा है बैंकों को दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त कोष्ठ यानी कि नकदी वॉल्ट कैश रखने को बाध्य करना। इनमें याद रखिए केवल आपका एक ही सही रहेगा, बाकी आपके तीन बिल्कुल गलत हैं। क्या है? बिल्कुल गलत है। नकदी आरक्षित अनुपात बैंकिंग क्षेत्र में एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों की ऋण एवं अग्रिम प्रदान करने की क्षमता को कम या फिर अधिक कर सकता है। नकदी आरक्षित अनुपात में वृद्धि करने से बैंकों को अपनी अधिक नकदी केंद्रीय बैंक के पास जमा करानी होती है, जिससे उनकी ऋण देने की योग्य निधियां कम हो जाती है। अब आप सोचिए कि बैंक के पास पहुंच जाएगी तो उससे क्या रहेगा, उसके पास ऋण देने के लिए कम पूंजी रहेगी। तो इसे भी याद रखिएगा, इसमें केवल आपका एक कथन सही है, यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है 34। हाल ही में जन विद्रोह श्रृंखला जिसे अरब स्प्रिंग कहा गया मूलतः किस देश ने शुरू की थी? ये आपका करंट से जुड़ गया। कहां से जुड़ गया? करंट से जुड़ गया। बताइए किसने शुरू की थी ये? पहला कह रहा है इसमें मिस्र यानी कि इजिप्ट, दूसरा है आपका लेबनान, और तीसरा है सीरिया, और चौथा है आपका ट्यूनिशिया। तो याद रखिए ये ट्यूनिशिया ने की थी। अरब स्प्रिंग एक जन विद्रोह श्रृंखला है जिसका आरंभ आप देखेंगे सन 2010 के अंतिम महीनों में प्रारंभ की गई थी, और यह विद्रोह श्रृंखला मध्य एशिया के देशों में फैली हुई है। तो याद रखिए इसमें ट्यूनिशिया। अगला है क्वेश्चन 35। निम्नलिखित देशों पर आपको विचार करना है। निम्नलिखित देशों पर क्या करना है? विचार करना है। करिए विचार। डेनमार्क, जापान, रशियन फेडरेशन, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उपयुक्त में से कौन आर्कटिक काउंसिल के सदस्य हैं? आर्कटिक काउंसिल के सदस्य पूछ रहा है आपसे। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका डेनमार्क भी है, आपका रशियन फेडरेशन भी है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी है, यूएसए भी है, यानी कि इसमें आप 1, 3 और 5 आपका बिल्कुल सही है। आर्कटिक काउंसिल एक उच्च स्तरीय अंतर शासकीय फोरम है, और आर्कटिक क्षेत्र में यहाँ की मूल निवासी शामिल हैं। इसमें देख सकते हैं आप कनाडा हो गया, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सभी इसके मेंबर हैं। तो इसमें क्या लगाओगे? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। क्षेत्र जो प्रायः समाचारों में आते हैं यानी कि न्यूज़पेपरों में आते हैं, और ये आपके देश हो गए, चेचन्या, रशियन फेडरेशन, दारफुर, माली, स्वात घाटी, इराक। उपयुक्त में से युग्म सही सम्मिलित है, यानी कि सही सम्मिलित बताना है आपको, कौन सा सही सम्मिलित है इसमें। तो इसमें आप याद रखिए केवल आपका एक सही है, चेचन्या रशियन फेडरेशन में है। बाकी आप देखेंगे दारपुर सूडान में देखने को मिलेगा, और स्वात घाटी आपकी पाकिस्तान में देखने को मिलेगी। दारपुर ये आप देखेंगे सूडान, और जो स्वात घाटी है ये आपकी पाकिस्तान में देखने को मिलेगी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 37। अग्निफोर पिछे पास्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। अग्निपोर आप लोगों ने सुना होगा, ये श्रृंखला है 1 2 3 4, इस तरह से आपने देखा होगा। अग्निपोर पिछे पास्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि यह धरातल से धरातल तक मार करने वाला पिछे पास्ट है। दूसरा कह रहा है इसमें केवल द्रव नोदक ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। और तीसरा कह रहा है कि यह एक टन नाभिकीय वारहेड को 7500 किलोमीटर दूरी तक फेंक सकता है। तो क्या करोगे? तो याद रखिए इसमें आप केवल एक आपका सही है, अग्निफायर एक प्रकार की इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक पिछे पास्ट है, और इसका उत्पादक देश आप सभी जानते हैं भारत है, और उपयोगकर्ता में अगर बात करें तो थल सेना उपयोग करती है इसकी, और DRDO द्वारा इसे विकसित किया गया एक तरह से। तो इसमें आप लोग ए ऑप्शन लगा देना। इन मिसाइलों के बारे में भी याद रखिए, इनसे भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। कोयला संस्था मेथेन और सेल गैस नामक दो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन कह रहा है कि कोयला संस्था मेथेन कोयला संधियों से निष्कर्षित शुद्ध मेथेन गैस है, जबकि सेल गैस केवल प्रोपेन और ब्यूटेन का एक मिश्रण है जो सूक्ष्म कणिक अवसादी सेलों से निष्कर्षित की जा सकती है। दूसरा कह रहा है भारत में कोयला संस्था मेथेन स्रोत बहुतायत में है, किंतु अब तक सेल गैस के स्रोत नहीं पाए गए। इनमें से सही कथन आपको चुनना है। तो याद रखिए केवल इसमें आपका दूसरा कथन सही रहेगा। दूसरा कथन कैसा रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। कोल बेड मेथेन एक प्रकार की प्राकृतिक गैस का रूप है जो जमीन से आप देखेंगे 300 से 1000 किलोमीटर 1000 मीटर 300 से 1000 मीटर तक की गहराई से कोयले की परत से निकलती है, और आप देखेंगे यह रंगहीन गंधहीन गैस है जिसमें कई गैसें आपकी शामिल होती है। अधिकांश भाग इसमें मीथेन का ही देखने को मिलेगा, लगभग आपका 95% के करीब। सेल गैस एक प्राकृतिक गैस है जो कि स्लेटी पत्थर की रचना के दौरान इसके भीतर से पैदा होती है, और यह गैस मीथेन और कम मात्रा में इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड और अन्य गैसों इसमें देखने को मिलेगी। भारत में कोयला संस्थान मीथेन प्रचुर मात्रा में ही उपलब्ध है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चूंकि भारत में अनेक सेल स्वरूप है जहां सेल गैस पाया जाना पित्तित होता है, ये स्वरूप आपके कई तलछट थलों में फैले हुए हैं जैसे केम्बे गोडवाना हो गया, कृष्णा गोदावरी भूमि हो गया, लेकिन अधिकृत तौर पर किसी भी सेल गैस का स्रोत अभी तक ज्ञात नहीं हो सका है। ठीक है, तो इसका भी आप देखिए कि काफी कच्चे तेल का तो हम लोग काफी आयात करते हैं, हमारे पास इतना उपलब्ध नहीं कि हम लोग अपने जो पूर्ति है उसे कर पाए, इसीलिए खाड़ी देशों से हम लोग अच्छी मात्रा में करते हैं। तो इसमें आपका केवल दूसरा रहेगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। क्वेश्चन है हमारे सामने 39। भारत के चांगफा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन इसमें कह रहा है कि बेमुखता उत्तराखंड राज्य में रहती है। दूसरा कह रहा है बेअच्छी किस्म का ऊन देने वाली पश्मीना बकरों और बकरियों को पालते हैं। तीसरा कह रहा है उन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा जाता है। इनमें से सही कथन आप बताइए। तो याद रखिए इसमें आपका 2 और 3 बिल्कुल सही है। जो पश्मीना ऊन पारंपरिक रूप से लद्दाख क्षेत्र का उत्पादन है, जिसका चंपा समुदाय द्वारा उत्पादन किया जाता है, और सभी को मालूम होना चाहिए चंपा जो है ये चंपा ये अनुसूचित जनजाति है जो मुख्यतः जम्मू कश्मीर के विभिन्न भागों में बसे हुए हैं और जहां तहां यह देखेंगे निवास करते हैं, उस क्षेत्र में चांगथांग क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। तो इसमें आप लोग 2 और 3 कथन बिल्कुल सही रहेंगे। क्वेश्चन है हमारे सामने 40। क्या पूछ रहा है 40 क्वेश्चंस? भारत में ग्वार क्लस्टर बीन का पारंपरिक रूप से सब्जी या पशु आहार के रूप में उपयोग किया जाता है, किंतु हाल ही में इसकी खेती में ने महत्व का स्थान प्राप्त किया है। और इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि बीजों से निकाला गया तेल जैव निम्नीकरण सोगट्टों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। बी कह रहा है कि इसके बीजों से निर्मित गोंद सेल गैस के निष्क्रमण में प्रयुक्त होती है। सी कह रहा है इस पौधे की पत्तियों के सार में पिती हेस्टामीन गुणधर्म होता है। और डी आपका कह रहा है कि यह उच्च गुणवत्ता के जैव डीजल का एक स्रोत है। इन 4 में से आपको बताना है कि सही कौन सा है। तो याद रखिए इसमें आप देखेंगे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अमेरिकी कंपनियां जो कि भारत में तेल और गैस का उत्खनन कर रही हैं, उन कंपनियों ने ग्वार की खेती को महत्व दिया है। भारत में ग्वार की खेती की पारंपरिक खेती के फलस्वरूप इसके बीजों से निर्मित गोंद से सेल गैस का निष्कर्षण होता है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्या कह रहा है 41 क्वेश्चंस? ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किनमें प्रवाल भीतियां हैं? निम्नलिखित में से किनमें प्रवाल भीतियां हैं? पहला इसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है कच्छ की खाड़ी, तीसरा है मन्नार की खाड़ी, चौथा है आपका सुंदरबन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर इसमें से चुनना है, सही विकल्प चुनना है। तो याद रखिए इसमें अंडमान निकोबार भी आपका शामिल है, कच्छ की खाड़ी भी शामिल है और आपका मन्नार की खाड़ी भी शामिल है। भारत की प्रबाल भित्तियां अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी में पाई जाती हैं, सुंदरबन में नहीं देखने को मिलेगी। यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। ये ऑप्शन कैसा रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42। भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारत में क्या पूछ रहा है? भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला कह रहा है आपसे बेरिका कृषि, दूसरा कह रहा है वनोन्मूलन, तीसरा कह रहा है उष्ण कटिबंधी जलवायु। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर इसमें से भी चुनना है। तो याद रखिए बेदिका कृषि और वन उन्मूलन, यानी कि ये ऑप्शन आपका लिस्ट में बिल्कुल सही रहेगा। देश की पहाड़ी क्षेत्रों में आप सभी जानते हैं कि मृदा कटाव होता है, कि समस्या काफी देखी जाती है, और बेदिका कृषि और बेक्च वन कटाव से संबंधित है, जबकि मृदा कटाव का संबंध दक्षिणी इलाके को की उष्णकटिबंधीय जलवायु से नहीं है। तो इसमें आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 43। पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्ररूपी अभिलक्षण है? पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्ररूपी अभिलक्षण है? ए कह रहा है भूमध्य रेखीय जलवायु, बी कह रहा है भूमध्य सागरीय जलवायु, सी कह रहा है मानसून जलवायु, और डी कह रहा है उपयुक्त में से सभी जलवायु। तो याद रखिए इसमें मानसून जलवायु। पवनों का मौसमी उत्क्रमण मानसूनी जलवायु का परिणाम है, जिससे में पवन मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदलती रहती है। मानसूनी पवने बरसात। आपका है 44 अगला क्वेश्चन। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किससे निर्दिष्ट करता है? ये पंचायतन शब्द आखिर बताता क्या है, बताइए इसमें 44 में क्या लगाओगे?
इसमें कह रहा है, पहला कह रहा है ग्राम के ज्येष्ठ जनों की सभा, बी कह रहा है धार्मिक समुदाय, सी कह रहा है मंदिर रचना शैली, और डी कह रहा है प्रशासनिक अधिकारी। तो आप सभी जानते हैं कि मंदिर रचना शैली है, पंचायतन मंदिर रचना शैली है। पंचायतन रचना में चारों कोनों में सहायक मंदिर और मुख्य मंदिर के बीच में होता है, जो रतनगिरी महाराष्ट्र जनपद में गुहाकर में स्थित श्री देव ब्रह्मेश्वर मंदिर पंचायतन शैली की प्रमुख मंदिर है। कहां का? महाराष्ट्र का, जो आपका रत्नागिरी में है ना श्री देव ब्रह्मेश्वर मंदिर, ये आपका पंचायतन शैली में ही का प्रमुख मंदिर है, इसी शैली में बना हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 45। निम्नलिखित नदियों पर आपको विचार करना है, निम्नलिखित नदियों पर क्या करना है, विचार करना है। बराक, लोहित, सुबनसिरी, उपयुक्त में से कौन अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है, कौन अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। तो आपको बता दूं कि आपकी लोहित भी बहती है और सुबनसिरी भी बहती है, बराक नहीं बहती है, ये अरुणाचल प्रदेश से बहती है और बराक आपकी जो नदी है ये आपकी मणिपुर से होकर बहती है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 46। निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है, ये आपकी आद्यभूमि है और नदियों का संगम, ये आपकी आद्यभूमि हो गई, ये नदियों का संगम। हरेक आद्यभूमि ब्यास और सतलुज का संगम, दूसरा कह रहा है कि केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान बनास और चंबल का संगम, तीसरा है कोलेरू झील मुसी और कृष्णा नदी का संगम। उपयुक्त में से कौन सही सम्मिलित है, यानी कि आपको सही बताना है। तो याद रखिए इसमें केवल आपका एक ही सही है, क्या है, एक ही सही है, जो हरेक आद्यभूमि ब्यास और सतलुज नदी के संगम पर आपको देखने को मिलेगा। और जो आपका केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये भरतपुर में देखने को मिलेगा, और कोलेरू झील कृष्णा और गोदावरी के मध्य देखने को मिलेगा, कृष्णा और गोदावरी के। तो इसमें आप केवल एक ही लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 47। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षड् दर्शन का भाग नहीं है। अब देखिए यहां क्या पूछ रहा है, भाग नहीं है, आप सभी जानते हैं कि भाग है, अगर पूछता तो इसका आंसर बदल जाता, इसीलिए कहता हूं कि इससे बड़े अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ लिया करिएगा इस लाइन को, क्योंकि क्या होता है कि कई बार इस लाइन की वजह से हम लोग क्वेश्चंस गलत कर बैठते हैं, आंसर उसका नहीं दे पाते हैं। पहला कथन कह रहा है, ये कह रहा है मीमांसा और वेदांत, दूसरा कह रहा है न्याय और वैशेषिक, तीसरा कह रहा है लोकायत और कपालिक, और डी कह रहा है सांख्य और योग। तो याद रखिए इसमें आप लोकायत और कपालिक यानी कि नहीं है, इसलिए आप लोग सी लगाएंगे। और आपको बता दूं कि भारत दर्शन के 6 आयाम हैं, एक मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, और सांख्य और योग, और जो आपका लोकायत और कपालिक है ना, इन 6 का भाग नहीं है। ठीक है, और ये सब आपका सैव संप्रदाय सुना है उसी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 48। निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है, एक तो आपकी पहाड़ियां हो गई और दूसरी तरफ आप देखेंगे छेद हो गए आपके, कार्डामम पहाड़ियां कोरोमंडल तट, कैमूर पहाड़ियां कोंकण तट, महादेव पहाड़ियां मध्य भारत, मिकिर पहाड़ियां पूर्वोत्तर भारत, इनमें आपका सही सम्मिलित कौन सा है, क्या सही सम्मिलित कौन सा है। तो याद रखिए महादेव पहाड़ियां आपकी मध्य भारत में हो, मिकिर पहाड़ियां आपकी पूर्वोत्तर भारत में है, बाकी एक और दो गलत हैं। क्यों? क्योंकि आप सभी को मालूम है कि कार्डामम पहाड़ियां आपकी नीलगिरी की पहाड़ियों पर हैं, और कैमरून जो आपकी पहाड़ियां हैं ये मध्य भारत में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जबकि मिकिर जो पहाड़ियां उत्तर पूर्वी भारत और यानी कि उत्तर पूर्वोत्तर भारत में, और महादेव पहाड़ियां आप देखेंगे पंचवटी यानी कि मध्य भारत में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसमें क्या लगाओगे, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 49। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोध विषयक उपबंध है। और याद रखिए इस तरह का क्वेश्चंस कई बार आपकी परीक्षाओं में, कई तरह की परीक्षाओं में पूछ लिया गया। 10वीं अनुसूची बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखते हैं कि चुनाव जीतता किसी और पार्टी के नाम पर है, किसी और से बल पर, और आप देखते हैं कि विधायक दूसरी पार्टी में मिल जाते हैं या सांसद देख लीजिए आप लोग, तो इससे ये हमेशा चर्चा में बना रहता है, एक तरह से बहुत ही हॉट यानी कि चर्चित टॉपिक है। तो बताइए इसमें क्या करोगे, दूसरी अनुसूची, पांचवी अनुसूची,
या 8वीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची। वैसे आपको बता चुका हूं, इसमें आंसर ही बता दिया मैंने, 10वीं अनुसूची। 49 में आपका डी रहेगा, क्या लगा? ओके डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति में निम्नलिखित में से किस एक स्थापना करने में नहीं थे? बताइए। पहला कह रहा है जीव मंडल नीचे यानी कि रिजर्व, बी कह रहा है वनस्पतिक उद्यान, सी कह रहा है राष्ट्रीय उपवन, और डी कह रहा है वन्य जीव अभ्यारण। क्या कह रहा है? वन्य जीव अभ्यारण। तो इसमें से क्या लगाओगे? तो याद रखिए इसमें जीव मंडल रिजर्व, यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। भारत निश्चय की सबसे महत्वपूर्ण राजनीति जैव विविधता और मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण अर्थात दोनों में स्थापित करने में निहित है, जो आपका रिजर्व जीव मंडल रिजर्व देखने को मिलेगा। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 51। टर्की किनके मध्य? बताइए टर्की किनके मध्य देखने को मिलेगी? तो याद रखिए आप देखें, काला सागर और कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर, स्वेज की खाड़ी और भूमध्य सागर, और डी अकाबा की खाड़ी और मित्र सागर। तो याद रखिए इसमें काला सागर और भूमध्य सागर के बीच आपको देखने को मिलेगा टर्की, ठीक है। जब हम लोगों ने विश्व का भूगोल पढ़ा था और पूरा मैप का सहारा लेकर पढ़ा था, तब सभी देशों के बारे में विस्तार से बताया गया था। जो भी आपका मैप वाला पार्ट है उसे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप लोग वहां जाकर देख लीजिएगा। और मुझे नहीं लगता है कि जब आप लोग भूगोल पढ़ते हैं, चाहे वो भारत का हो या विश्व का है, अगर आप लोग मैप का सहारा लेके नहीं पढ़ते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि बेहतर आंसर आप लोग किसी क्वेश्चन का दे पाएंगे। आप लोग मैप का सहारा जरूर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 52। दक्षिण पूर्व एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर नीचे दिए गए नगरों का सही स्थिति क्रम आपको बताना है। क्या सही स्थिति क्रम बताना है आपको? क्या बताओगे सही स्थिति क्रम? पहला है बैंकॉक, हनोई, जकार्ता, सिंगापुर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। अब आप सोचिए कि अगर आपने मैप का सहारा लेकर इन सभी शहरों को देखा होगा तभी इसका आंसर आप लोग दे पाएंगे। अब आपने मैप को देखा ही नहीं होगा, मैप के दर्शन ही नहीं किए होंगे, तो कहां से आंसर दे पाएंगे इसका? तो इसमें आप देखेंगे, पहले तो आप जकार्ता देखेंगे, उसके बाद आप देखेंगे सिंगापुर, उसके बाद देखेंगे आप लोग बैंकॉक, और उसके बाद हनोई। यहां जाने का आपका मन भी है तो जाइएगा। सी ऑप्शन आप लोग लगाएंगे इसमें, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे सामने 53। कहां है 53? ये है आपका 53। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। यदि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेंटीग्रेड के परे बढ़ जाता है तो विश्व पर उसका संभावित असर क्या होगा? बताइए संभावित असर क्या करवाओगे? इसमें आपका पहला क्या कह रहा है? पहला आपसे कह रहा है कि स्थलीय जीव मंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा। दूसरा कह रहा है आपसे कि दूसरा क्या कह रहा है? विस्तृत प्रवाल मर्त्यता घटित होगी। तीसरा कह रहा है सभी भूमंडलीय आर्द्रभूमि स्थायी रूप से लुप्त हो जाएंगे। और चार कह रहा है कि अनाजों की खेती विश्व में कहां भी कहीं भी संभव नहीं होगी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। क्या चुनना है? सही उत्तर। तो याद रखिए इसमें आपका 1 और 2 कथन बिल्कुल सही है, 1 2 बिल्कुल सही है। और इसीलिए आप देखते हैं कि चिंता का कारण बना रहता है। आप सोचिए अगर तापमान बढ़ता है, जो बर्फ जमी होगी वो पिघल जाएगी, कई महासागरों में जल का स्तर उठ जाएगा, कई द्वीपों पर जो देश बसे हुए हैं वो डूब जाएंगे। इसमें आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे सामने 54। क्या कह रहा है 54? भारत के संप्रीत के नीचे
उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदर्श शक्ति सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है? बताइए कहाँ से ली गई है? कंठ उपनिषद, या फिर आपकी छंदोग उपनिषद, या फिर ऐतरेय उपनिषद, या मुंडक उपनिषद? इन चार में से एक तो होगा, और आप सभी को मालूम है कि मुंडक उपनिषद है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कि सत्य से ही विजय होती है, यानी कि सत्य की ही जीत होती है। और इसको हिंदी की देवनागरी लिपि में लिखा गया है। टाइम लगेगा, लेकिन सत्य की जीत ही होगी। ये अलग बात है कि असत्य कुछ समय तक तो हावी रहता है, लेकिन जब अंत अंत बना आता है तो आपका सत्य उस पर हावी हो जाता है। तो अब आप देखिए कि सत्य के रास्ते पर चलना बहुत कठिन है। क्वेश्चन है हमारे सामने 55। भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कहाँ उल्लेख है? बताइए कहाँ उल्लेख है? भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? कहाँ उल्लेख देखने को मिलता है आपको? तो आप सभी जानते हैं कि राज्य की नीति के निदेशक तत्व में, इसमें आप लोग बी ऑप्शन लगाएंगे। क्वेश्चन है हमारे सामने 56। एकीकृत जल संपर्क विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के क्या लाभ होंगे? क्या लाभ है बताओ? इसमें पहला कथन कह रहा है आपसे कि मृदा के बह जाने की रोकथाम, दूसरा कह रहा है देश की बारहमासी नदियों को मौसमी नदियों से जोड़ना, तीसरा कह रहा वर्षा जल संग्रहण और भौम जल स्तर का पुनर्भरण, और चौथा कह रहा है प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जनन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। तो देखिए, इसमें एक आपका सही है, और तीन आपका सही है, और चार आपका सही है। एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कई लक्ष्यों को रखा गया है। इसमें मृदा के बह जाने की रोकथाम होती है, वर्षा जल संग्रहण और भौम जल स्तर का पुनर्भरण आदि को निर्धारित किया गया है, ठीक है? लेकिन आप देखेंगे कि इस कार्यक्रम में नदियों के एकीकरण को लक्षित नहीं किया गया है। तो इसमें आपका एक दो तीन, एक तीन चार, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 57। निम्नलिखित में से कौन भारत में योजना से संबंध है? और याद रखिए, अब योजना का काम खत्म हो चुका है योजना आयोग का, क्योंकि आप देखते हैं कि नीति आयोग उसकी जगह आ चुका है आपका। क्या आ चुका है? नीति आयोग आ चुका है, इसलिए आप लोग बड़े ध्यान से याद रखिए। पहला है इसमें वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, संघीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, संघीय शहरी विकास मंत्रालय और संसद। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। तो याद रखिए, इसमें एक तो आप देखेंगे आपका राष्ट्रीय विकास परिषद है, और एक आपका संसद है, जो आपकी योजना भारत में योजना से संबद्ध थी। यानी कि इसमें क्या लगाओगे? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 58। निम्नलिखित में से कौन से मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य हैं? मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य आपसे पूछ रहा है। इसमें पहला क्या कह रहा है? मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना, दूसरा कह रहा है कि मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयी सहायता, और तीसरा कह रहा है मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। तो याद रखिए, इसमें आपका एक सही है और दो सही है आपका, यानी कि आप क्या लगाओगे? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा इसमें।
आप लोग पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत को जरूर पढ़ लीजिएगा, और एनसीईआरटी तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने पढ़ी ही होगी, क्योंकि उनके बिना तो कुछ उखड़ने वाला भी नहीं है। क्वेश्चन है हमारे सामने 59। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। संविधानिक सरकार वह है, संविधानिक सरकार वह है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है? तो आपको बता दूं, दोनों कथन बिल्कुल गलत है, ना तो एक सही है ना दूसरा सही है। फिर आखिर सही क्या होगा? संविधानिक सरकार वह होती है जो संविधान में दी गई व्यवस्था के अनुसार गठित होती है और काम भी करती है। इसका स्वरूप लोकतंत्रात्मक राजतंत्र तानाशाही कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हैं आप लोग? आप देखिए कि लोकतंत्रात्मक वो भी हो सकता है, राजतंत्र भी हो सकता है, और आपका तानाशाही भी हो सकती है। संविधानिक सरकार की बात कर रहे हैं, लोकतांत्रिक सरकार की बात करते तो अलग बात होती है। तो इसमें आपका डी रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 60। निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं? निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं? एक कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना, दूसरा कह रहा है मंत्रियों की नियुक्ति करना, तीसरा कह रहा है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, और चार कह रहा है कि राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है इसमें। तो याद रखिए, एक तो आपका एक सही है और एक आप देखेंगे तीन सही है, बाकी आपका दो और चार बिल्कुल गलत है। यानी कि इसमें क्या लगाओगे? बी ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है 61। किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह है, किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह है। ए कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय घटाएगा, बी कह रहा है सरकार की कर संग्रह को बढ़ाएगा, सी कह रहा है अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा, और डी कह रहा है अर्थव्यवस्था में कुल बचत को बढ़ाएगा। तो याद रखिए, इसमें सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। यदि किसी अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर घटाई जाती है तो ऐसे में अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ावा मिलेगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 62। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। पहला कथन इसमें क्या कह रहा है? राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधाजनक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा, दूसरा कह रहा भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाइयां प्रधानमंत्री के नाम से ही हुई कही जाएंगी। उपयुक्त में से कौन सा सही है? क्या है? सही है। तो याद रखिए, इसमें केवल एक सही है। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 63। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है, यानी कि लाया जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, यानी कि आपको सही कथन चुनना है। तो याद रखिए, इसमें आपके दोनों कथन बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में ना तो विश्वास मत प्रस्ताव है की बात की गई है और ना ही अविश्वास मत प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। ना तो विश्वास मत प्रस्ताव का उल्लेख है हमारे संविधान में और ना ही अविश्वास मत प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 75 आर्टिकल 75
में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, और अनुच्छेद 118 में लोकसभा और राज्यसभा को अपने अपने कार्य संचालन नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। लोकसभा के कार्य संचालन नियम 98 के तहत कोई भी सदस्य स्पीकर को लिखित नोटिस देकर अविश्वास प्रस्ताव की सूचना दे सकता है। स्पीकर इस प्रस्ताव को पढ़कर सुनाते हैं और प्रस्ताव की स्वीकारता पक्ष या विपक्ष में अपना मत देने को कहते हैं, और अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 50 या इससे अधिक के पक्ष में होने पर उस पर चर्चा के लिए स्वीकार कर लिया जाता है। आप समझिए, अगर आपके पास आप विश्वास ही नहीं है लोकसभा में, तो आप काहे की सत्ता में रहेंगे? अविश्वास प्रस्ताव आ गया और वो पास हो गया तो आप सोचिए कि वो सत्ता गिर जाएगी? आपके पास सदस्य ही नहीं है उतने जितने चाहिए। और एक बात आप जानते हैं, लोकसभा आपका इसका कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन राज्यसभा में आप देखते हैं कि स्थायी आपका है, स्थायी सदन है। तो इसमें आप क्या लगाओगे? सी ऑप्शन आपका 1-2 सही है, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। केवल लोकसभा में लाया जाता है। 64 क्वेश्चन, नीम के पेड़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। नीम के पेड़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला क्या कह रहा है इसमें? कुछ जाति के कीटों बरूथियों के पिचरोधन रोधवन को नियंत्रित करने के लिए नीम के तेल का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जा सकता है। दूसरा कह रहा है कि नीम के बीजों का प्रयोग जैव ईंधन और अस्पताल अपमार्जकों के का निर्माण करने में होता है। और तीसरा कह रहा है नीम के तेल का अनुपयोग औषधि उद्योग में होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखिए, तीनों बिल्कुल सही है। आप सभी जानते हैं कि नीम बहुत फायदेमंद भी होता है। नीम की संस्कृत शब्द है निम्मा, निम्बा, निम्बा, NIMBA से उत्पत्ति हुई है। इसका बीमारी से छुटकारा पाना है। नीम के 5 भाग, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, ये सभी आप देखते हैं कि औषधीय महत्व के भी होते हैं। नीम बीज तेल कीटनाशक के रूप में खेती में प्रयोग होता है। इसके बीजों को जैव ईंधन और अस्पताल अपमार्जकों के निर्माण में और तेल अनुपयोग औषधि उद्योग में भी होता है। तो आप समझ सकते हैं कि सभी भागों का इसके उपयोग किया जाता है, फिर चाहे आपका वो फूल हो, तना हो, पत्ती हो, इसके आप मंजन करते हैं ना, जो इसके ही एक तरह से आप कहिए कि मंजन के रूप में इसकी लकड़ी का उपयोग करते हैं गांव की तरफ, ग्रामीण क्षेत्र में, और वो फायदेमंद भी होती है। तो इसमें आपके तीनों सही हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने 65। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रम विकास संश्लेषण में सम्मिलित है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विक्रम विकास संश्लेषण में सम्मिलित है? पहला ये कह रहा है कि स्थितिज ऊर्जा मुक्त होकर प्राप्तम ऊर्जा बनती है। प्राप्तम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। सी कह रहा है कि भोजन ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल मुक्त करता है। सी कह रहा है ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बाहर निकलते हैं। तो इसमें क्या लगाओगे? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पेड़ पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग कर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, और इस प्रक्रिया के लिए ऊर्जा सौर विकिरण से मिलती है, और जिसका अवशोषण क्लोरोफिल कर लेते हैं, और इस संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया को आप देख सकते हैं, इसी तरह से ये चलती रहती है। और इसीलिए तो कहते हैं कि हमारा जो फेफड़े हैं, आप कह सकते हैं कि एक हिस्सा हमारे शरीर में है, दूसरा हिस्सा हमारे पेड़ है। आप लोग देखते हैं कि आप लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, तो उनका उपयोग कौन कर लेता है? पौधे। और इस तरह से आपकी प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसीलिए तो कहते हैं कि पेड़ जरूरी है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। और आप समझिए कि ऑक्सीजन की कितनी जरूरत होती है, मुझे लगता है कि कोरोना महामारी ने आपको बता भी दिया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कितनी मारामारी ऑक्सीजन के लिए हुई। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने
66 किसी व्यक्ति के जियोमितीय पहचान हेतु अंगुली छाप क्रमीक्षण के अलावा निम्नलिखित में से कौन से प्रयोग में लाया जा सकता है या लाए जा सकते हैं? बताइए, लाए जा सकते हैं या लाया जा सकता है? एक कह रहा है परितारिका क्रम वीक्षण, दूसरा कह रहा है दृष्टिपटल, तीसरा कह रहा है वाक अभिज्ञान। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। तो याद रखिए, तीनों का हो सकता है। किसी व्यक्ति की पहचान के लिए पहले अंगुलियों के निशान व हस्तलेखन का प्रयोग होता था, लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि आंखें, रेटिना, आवाज परीक्षण हाथों की छाप द्वारा किया जाता है। इन विभिन्न परीक्षणों को परितालिका क्रम वीक्षण, दृष्टिपटल क्रम वीक्षण, वाक अभिज्ञान नाम दिया गया है। इसमें आप तीनों सही हैं, यानी कि क्या लगाओगे? सी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 67 उल्टा कर दिया। निम्नलिखित में से कौन से कथन पौधों के कायिक प्रवर्धन के संबंध में सही है? बताइए कौन से सही है। इसमें आपका एक कह रहा है कायिक प्रवर्धन क्लोनीय जनसंख्या को उत्पन्न करता है, और दूसरा कह रहा है कायिक प्रवर्धन विषाणुओं का निष्प्रभावन करने में सहायक है, और तीसरा कह रहा है कायिक प्रवर्धन वर्ष के अधिकतर भाग में चल सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। क्या करना है? सही उत्तर ही चुनना है। तो इसमें याद रखिए आपका एक सही है और तीन सही है, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। कायिक प्रवर्धन क्लोनीय जनसंख्या को उत्पन्न करता है, और कायिक प्रवर्धन वर्ष के अधिकतर भाग में चल सकता है। एक तीन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 68। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सम्मिलित हैं? ये अंतरिक्ष यान हो गए, ये प्रयोजन हो गए, अंतरिक्ष यान हो गए और आपके प्रयोजन हो गए। तो बताइए किस तरह से करोगे। पहला क्या कह रहा है इसमें? कैसिनी हाइगेंस शुक्र की परिक्रमा करना और दत्त का पृथ्वी तक संचारण करना, मैसेंजर बुद्ध का मानचित्रण और अन्वेषण, वॉयजर 1-2 बाह्य और परिवार का अन्वेषण। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है इसमें से। तो याद रखिए दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है। इसमें नासा ने कैसिनी हाइगेंस अंतरिक्ष यान को शनि ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा था, ना कि शुक्र के लिए, और इसने शनि ग्रह और इसके अनेक चंद्रमाओं का व्यापक अध्ययन भी किया था। जो आपका मैसेंजर है ये नासा का अंतरिक्ष यान है, जो बुध ग्रह की परिक्रमा कर रहा है, वो बुध ग्रह की रासायनिक एवं भूगर्भीय संरचना इसके चुंबकीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए 2004 में भेजा गया था। वॉयजर 1-2 यान सौर मंडल की सीमाओं को पार कर इस समय यह गहन अंतरिक्ष की ओर अग्रसर है। तो याद रखिए, भी याद रखिएगा, इसमें आपका 2 और 3 बिल्कुल सही था, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। क्वेश्चन है हमारे सामने 69। निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। निम्नलिखित युग्मों पर आपको क्या करना है? विचार करना है। ये आपके क्षेत्र का किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? किन्नौर सुपारी, मेवात आम, कुरुमंडल सोयाबीन। उपयुक्त में से युग्म में सही सम्मिलित आपको देखना है। तो याद रखिए इसमें कहीं कोई सम्मिलित नहीं है। क्या है? कोई सम्मिलित नहीं है। आपको मालूम है कि क्या है? सोयाबीन आम सुपारी के उत्पादन में मध्य प्रदेश महाराष्ट्र कर्नाटक में एक अच्छे हैं, ठीक है। सुपारी सोयाबीन में आप सभी को मालूम है कि आपका मध्य प्रदेश है, और आम में देखेंगे महाराष्ट्र, और सुपारी में आप देखेंगे कर्नाटक। तो इसमें आपका डी था। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 70। निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं? निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं? बताइए, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण भी बता दीजिए आप।
पहला है आपका सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, बर्फ का गलन, दुग्ध आस्कंदन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर भी चुनना है। तो याद रखिए, इसमें केवल बर्फ का गलन या दुग्ध का संकलन, माफ करिए, दुग्ध का आस्कंदन, इसमें आपका तीसरा बिल्कुल सही है, यानी कि केवल तीन, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 71। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? 71 क्या कह रहा है 71 आपसे? केंद्र और राज्यों के बीच अगर कोई झगड़ा है, विवाद है, तो इसका निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? बताइए किसके अंतर्गत आएगी? पहला कह रहा है कि परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत, दूसरा कह रहा है अपीली अधिकारिता के अंतर्गत, सी कह रहा है मूल अधिकारिता के अंतर्गत, या डी रिट अधिकारिता के अंतर्गत। तो याद रखिए, इसमें आपका सी होगा, मूल अधिकारिता के अंतर्गत। आप देखिए कि राज्यों में अगर कहीं झगड़ा होता है तो कौन निपटारा करेगा उसका? उच्चतम न्यायालय ही। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 72। निम्नलिखित तकनीकों परिघटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित तकनीकों परिघटनाओं पर आपको क्या करना है? विचार करना है। कैसे विचार करोगे? फल वाले पादपों में मुकुलन और रोपण, कोशिका द्रव्य नरबंधता, जीन निर्भरता, उपयुक्त में से कौन ट्रांसजेनिक फसलों को बनाने में उपयुक्त होता है या होते हैं? तो याद रखिए, इसमें कोशिका द्रव्य नरबंधता और जीन निर्भरता, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, 2 और 3। ठीक है, जो आपके देखते हैं ना, ट्रांसजेनिक फसलों को विकसित करने में आदि कोशिका द्रव्य नरबंधता को प्रयुक्त किया जाता है, जहां 50% पोलेन गैंस को निकाल कर दिया जाता है, और दूसरी ओर जीन निर्भरता भी ट्रांसजेनिक फसलों को विकसित करने में प्रयुक्त यानी कि उपयोग किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या करना है? निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। विचार ही कर लीजिएगा। पहला कथन इसमें क्या कह रहा है? मक्का का मंड के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा कह रहा है कि मक्का से निष्कर्षित तेल जैव डीजल के लिए फीड स्टॉक हो सकता है। तीसरा कह रहा है मक्का के प्रयोग से एल्कोहली पेय उत्पन्न किया जा सकता है। इनमें से सही कथन आपको चुनना है। तो याद रखिए, इसमें आपके तीनों बिल्कुल सही है। मक्का मानव के लिए अत्यंत उपयोगी फसल है, जिसके कई उपयोग भी है, और आप देख सकते हैं मक्का का मंड के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। मक्का से निष्कर्षित तेल जैव ईंधन के लिए, जैव डीजल के लिए फीड स्टॉक हो सकता है। मक्का के प्रयोग से एल्कोहली पेय, यानी कि जो शराब वराब की बात करें, उत्पन्न किया जा सकता है। यानी कि इसमें आप लोग क्या लगाएंगे? डी ऑप्शन। क्वेश्चन है हमारे सामने 74। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य तीन जीवों के वर्ग का नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अन्य तीन जीवों के वर्ग का नहीं है? केकड़ा, बरूथी, बिच्छू, मकड़ी। केकड़ा, बरूथी, आप लोगों को बरूथी ने काटा है कभी? बिच्छू ने काटा है कभी? बताइए, मकड़ी ने काटा है कभी? कितना क्या होता है आप लोग बताइए, अगर कुछ किसी को काटा हो इनने। बरूथी, बिच्छू, मकड़ी, ये सभी तीन एराकर्निडिस वर्ग से संबंधित है, जबकि केकड़ा क्रस्टेनी वर्ग में आता है। क्वेश्चन है हमारे सामने 75। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? बताइए, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि यानी कि बढ़ोतरी करने की शक्ति किसके पास है? बताइए किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास, या संसद के पास, या भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, या विधि आयोग? तो आप सभी जानते हैं कि संसद के पास है। ठीक है, संसद के पास है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 76। भारत के निम्नलिखित नगरों पर विचार करना है।
भारत के निम्नलिखित नगरों पर आपको विचार करना है। कैसे करोगे विचार बताओ? भद्राचलम, चंदेरी, कांचीपुरम, करनाल। उपयुक्त में से कौन पारंपरिक साड़ी वस्त्र उत्पादन के लिए सुविख्यात है? चंदेरी की साड़ियां तो आप लोगों ने सुनी होगी, मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो इसमें आप देखेंगे तीन, इसमें क्या है, दो और तीन। कांचीपुरम भी साड़ियों के लिए काफी प्रसिद्ध है। चंदेरी मध्य प्रदेश और कांचीपुरम पारंपरिक साड़ियों के लिए विख्यात है। भद्राचलम ये धार्मिक स्थल है, और करनाल आपका हरियाणा में पड़ता है। भारत सरकार के कई अनुसंधान और विकास संस्थान भी हैं करनाल हरियाणा में। ठीक है, तो इसमें आपका दो और तीन बिल्कुल सही है, यानी कि सी बी ऑप्शन आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित युगों पर आपको विचार करना है। ये आपके राष्ट्रीय मार्ग हो गए, इससे जुड़े हुए शहर हो गए आपके। कैसे आप लोग पता करेंगे, क्या करोगे बताओ? कुछ है पता? NH4 चेन्नई और हैदराबाद, NH6 मुंबई कोलकाता, NH15 यानी कि 15 अहमदाबाद और जोधपुर। उपयुक्त में से सही सम्मिलित हैं आपके। कौन सा सही सम्मिलित है? कोई नहीं सम्मिलित है, क्योंकि जो आप NH4 देखते हैं ना, चेन्नई से ठाणे तक यानी कि मुंबई तक है, और NH6 आप देखते हैं कोलकाता से हजीरा तक, और NH15 यानी कि 15 आप देखेंगे पठानकोट से समख्याली तक। ठीक है, तो इसमें आपका डी रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 78। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय करारों पर आपको विचार करना है। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय करारों पर आपको क्या करना है, विचार करना है। पहला है इसमें खाद्य एवं कृषि हेतु पादप अनुवांशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि। दूसरा है मरुभवन का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय। और तीसरा है विश्व विरासत अभिसमय, विश्व विरासत अभिसमय। उपयुक्त में से कौन से जैव विविधता, जैव विविधता से संबंध रखते हैं या रखता है, बताइए कौन कौन रखते हैं इसमें से? तो इसमें याद रखिए आपके तीनों रखते हैं। तीनों क्या करते हैं? तीनों आपके जैव विविधता से संबंधित हैं। छह अंतरराष्ट्रीय अभिसमय जैविक विविधता के मामले पर केंद्रित हैं। रियो पृथ्वी सम्मेलन में लिए गए निर्णय अनुसार मरुभवन का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय पर्यावरण और संपोषणीय भूमि प्रबंधन के विकास का एकमात्र विधिमान अंतरराष्ट्रीय समझौता है, क्योंकि भूमि की गत्यात्मकता और जलवायु और जैव विविधता आपस में घनिष्ठता के साथ जुड़े हुए हैं, संबंध रखते हैं। ठीक है, अगर एक में परिवर्तन होता है तो बाकी में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो इसमें आपके तीनों बिल्कुल सही हैं, यानी कि आप क्या लगाओगे, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 79। पृथ्वी काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पृथ्वी काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है आपको। पहला इसमें यह है UNEP तथा यूनेस्को का उपक्रमण है। दूसरा कह रहा है कि यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं। तीसरा कह रहा है यह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने का वाला आंदोलन है। उपयुक्त कथनों में से आपको सही कथन चुनना है। तो याद रखिए इसमें आपका दो और तीन बिल्कुल सही है। और याद रखिए अगर आप भी कभी जाते हैं, घर से निकलते हैं, तो पंखे को लाइट बंद करके जा सकते हैं, कुछ तो बचत होगी। पृथ्वी काल एक विश्वव्यापी आंदोलन है जो WWF द्वारा संचालित है, और इसके प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं, और यह निश्चित दिन मार्च महीने का आखिरी शनिवार होता है, और 1 घंटे का समय आप देखते हैं रात्रि 8:30 से 9:30 तक बंद रहता है। लेकिन कितने लोग इसे करते हैं, ये अब देखने वाली बात है। इसमें आपका सी ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 80। निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है, बताइए सही क्रम कौन सा है? ये है आपका डायटम, क्रस्टेशियाई, फिर उसके बाद हेरिंग। बी है क्रस्टेशियाई, डायटम, हेरिंग। सी है आपका डायटम, हेरिंग, क्रस्टेशियाई। डी है क्रस्टेशियाई, हेरिंग, डायटम। तो याद रखिए इसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, डायटम, डायटम, क्रस्टेशियाई और हेरिंग, हेरिंग। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है।
अगला क्वेश्चन है हमारा 81। क्या कहता है 81 क्वेश्चंस? 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन कब तक बना रहा? आप सभी जानते हैं कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। ये अंग्रेजों की एक चाल थी हिंदू मुस्लिमों को बांटने की। तो इनका कहना है कि लॉर्ड कर्जन के समय जब आपका बंगाल विभाजन हुआ तो ये कब तक बना रहा? ये कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध तक, जिसमें अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ी और विभाजन को समाप्त किया गया। बी कह रहा है सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकित किए जाने तक। सी कह रहा है महात्मा गांधी द्वारा अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने तक। और डी कह रहा है आपसे भारत के 1947 में हुए विभाजन तक, जब पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बन गया। बताइए इन चार में से आप क्या लगाओगे? तो याद रखिए आपका सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकित किया गया था, समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। और आप सभी को मालूम है एक क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि बंगाल विभाजन के समय कौन यहाँ का वो वायसराय था एक तरह से। तो याद रखिए जो कौन था, लॉर्ड कर्जन। और इसी समय आप जानते हैं कि भारत की राजधानी जो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी 1911 में, घोषणा हुई थी लेकिन 1912 में आप देखेंगे पहुंच चुकी थी। तो लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। बी ऑप्शन लगाएंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 82। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में क्या हुआ था, क्या खास थी इस बात इस अधिवेशन की? ए कह रहा है इसमें कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन प्राप्ति की घोषणा की गई थी। बी कह रहा है कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया था। सी कह रहा है असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ था। और डी कह रहा है लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करने का निर्णय लिया गया था। तो इसमें याद रखिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इस अध्यक्षता इनकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया था और 21 दिसंबर 1929 को तिरंगा भी फहराया गया था। तो इसे याद रखिएगा। देखिए जो खास खास अधिवेशन है उनमें क्या हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने की, इन सबको भी याद रख लीजिएगा क्योंकि इनसे क्वेश्चंस भी आपके डायरेक्ट पूछते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 83। विख्यात सत्रिया नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसमें पहला क्या कह रहा है, इसमें पहला कह रहा है आपसे कि सत्रिया संगीत नृत्य और अभिनय का सम्मिश्रण है। यह असम के वैष्णव की शताब्दियों पुरानी जीवंत परंपरा है। यह तुलसीदास और कबीर और मीराबाई द्वारा रचित भक्ति गीतों के शास्त्रीय रागों और तथा तालों पर आधारित है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखिए इसमें एक और दो कथन बिल्कुल आपका सही है। सत्रिया नृत्य भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य में से एक है और आप देखेंगे कि ये देश के कई मठों में संरक्षित है। 70 शब्द सत्य से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है मठ और या मठ और नृत्य का अर्थ। और आप देखेंगे कि यह नृत्य नाटिका मुख्य रूप से असम के वैष्णव संत और समाज सुधारक शंकर देव और उनके मुख्य शिष्य माधव देव द्वारा लिखे व निर्देशित किए जाते थे। और इसमें भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित संगीत नृत्य नाटक द्वारा लीलाएं की जाती थी। सत्रिय जप कथा नृत्य संवाद का समन्वय भी है, आर्ट एंड कल्चर। आप लोग जब मुख्य परीक्षा में सिलेबस कंप्लीट करते हैं ना तब आप लोग विस्तार से इसे पढ़ते हैं। तो इसमें आप लोगों का एक और दो बिल्कुल सही रहेगा, बी ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 84। सख संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग यानी कि कैलेंडर का एक चैत ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सावन वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? बताइए क्या बताओगे 84 में क्या लगाओगे, बताइए कुछ तो मालूम किया करिएगा। 22 मार्च अथवा 21 मार्च, बी कह रहा है 15 मई अथवा 16 मई,
सी कह रहा है 31 मार्च या 30 अथवा 30 मार्च, या डी कह रहा है 21 अप्रैल अथवा 20 अप्रैल, तो आप सभी वालों 22 मार्च अथवा 21 मार्च। सर्वसम्मत को राष्ट्रीय पंचायत कैलेंडर के रूप में स्वीकार किया गया है और यह चैत से फागुन तक चलता है। 21 मार्च को चैत का प्रथम दिन होता है और 22 मार्च 1957 को लागू किया गया था और इसका उपयोग गजर रेडिया आदि में होता है और गांव के लोग जो ग्रामीण क्षेत्र में आप देखते हैं इसी का उपयोग करते हैं। चैत वैसाख इस तरह से आपने देखा होगा 12 महीने गिनते हैं वो, सावन, समझ रहे हैं, उनके लिए यही कहा, यही एक तरह से कैलेंडर है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 85। भारत की कला संस्कृति के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित युगों पर आपको विचार करना है। ये आपके विख्यात मूर्ति शिल्प हो गए, ये स्थल हो गए आपके। एक कह रहा है कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेक देवी संगीतक तथा नीचे की ओर अनेक दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं, ये अजंता में देखने को मिलेगी, सही है या गलत है आप लोग बताइए। पिस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के बराय अवतार की विशाल प्रतिमा जिसमें वह देवी पृथ्वी को गहरे विक्षुब्ध सागर से उभारते दर्शाई गई है, माउंट आबू में है क्या ये। और तीसरा कह रहा है विशाल गोलास्मो पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या है गंगा उत्तरण, ये मामल्लपुरम में, उपयुक्त में से सही सम्मिलित आपको चुनना है। तो एक आपको बता दूं, एक तो आपका एक कथन बिल्कुल सही है और एक आपका तीसरा बिल्कुल सही है। आपको बता दूं कि अजंता की गुफा नंबर 17 में आप देखेंगे बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा देखने को मिलेगी जिसमें ऊपर की ओर अनेक देवी संगीतज्ञ और नीचे की ओर आप देखेंगे तो उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं। और यहाँ भगवान विष्णु के अवतार का स्मारकीय और अर्धपूर्ण चित्रण भी है जिसमें वह धरती माँ को गहरे वक्त पलंग का तिलयकारी जल प्रलय से बचाते हैं। इसमें बराय भगवान की सुअर की आकृति शक्ति और महिमा की एक महान भावना भी है। मामल्लपुरम में आप देखेंगे कहीं भी मूर्तियों के सबसे उल्लेखनीय समूहों में से एक है। अर्जुन की तपस्या और गंगा का अवतरण जिसको दो विशाल पत्थरों के बीच की संकीर्ण दरार पर चित्रण किया गया है, यह शानदार चित्रण जो कि 20 फुट ऊंची और 40 फुट लंबी है। सूर्य चंद्रमा गायकों के जोड़े के समूह में सिद्ध अप्सराएं सभी चट्टान में बाईं ओर घूमते दिखाई दे रहे हैं जिसमें एक साधु संत मन से तपस्या में भी लीन है जिन्हें अर्जुन मान लिया गया। तो ये मामल्लपुरम में एक और तीन, एक तीन यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 86। गदर क्या है बताइए, गदर क्या है। भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। बी कह रहा है एक राष्ट्रवादी संगठन जो सिंगापुर से संचालित होता था। सी कह रहा है एक उग्रवादी संगठन जिसका प्रधान कार्यालय बर्लिन में था, वो बर्लिन में था। डी कह रहा है भारत की स्वतंत्रता के लिए एक कम्युनिस्ट आंदोलन जिसका प्रधान कार्यालय ताशकंद में था। तो आप सभी जानते हैं कि ए ऑप्शन इसमें होगा। क्यों होगा, भारत के अप्रवासी भारतीयों की वीरता व दृढ़ संकल्प के कारण गदर आंदोलन ने भारत में ब्रिटिश सरकार की नींव हिला दी थी। जो भारतीय कनाडा या अमेरिका में व्यापार या उच्च शिक्षा के लिए आए थे, इन कार्यों के बजाय उन्होंने क्रांतिकारियों में आग उत्साह करने का काम किया। इस संस्था का नाम हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट जिसका मुख्यालय आप देखेंगे सैन फ्रांसिस्को में स्थापित किया गया था, वहीं से इसके सब काम हो रहे थे। तो इसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है 87। भारत की संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में कलारी पट्टू क्या है बताइए, ये नया क्या है। 87 में क्या करोगे, भारत की संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में कलारी पट्टू क्या है। यह शैव मत का प्राचीन भक्ति पंथ है जो अभी भी दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में प्रचलित है। बी कह रहा है यह कांसे और पीतल के काम की एक प्राचीन शैली है जो अभी भी कोरोमंडल क्षेत्र में दक्षिणी हिस्से में पाई जाती है। सी कह रहा है यह नृत्य नाटिका का एक प्राचीन रूप है और मालाबार के उत्तरी हिस्से में एक जीवंत परंपरा है। डी कह रहा है यह एक प्राचीन मार्शल कला है और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवंत परंपरा है, बताइए इसमें क्या करोगे। तो याद रखिए सही है, डी आपका सही है। कलारी पैटू केरल का एक मार्शल आर्ट है जो विश्व की सबसे पुरानी वैज्ञानिक शारीरिक कला है। मूल रूप से यह केरल के उत्तर व मध्य भाग और कर्नाटक के तमिलनाडु के नजदीक वाले भाग में देखने को मिलेगी आपको, ठीक है।
इसमें आप डी ऑप्शन लगाएंगे। क्वेश्चन है हमारे सामने 88, निम्नलिखित में पर विचार करना है, गरबा, गुजरात, मोहिनीअट्टम, उड़ीसा, यक्षगान, कर्नाटक, उपयुक्त में से कौन सही सम्मिलित है? तो याद रखिए इसमें एक आपका गरबा गुजरात से है और यक्षगान आपका कर्नाटक से है। गरबा गुजरात का आप सभी जानते हैं कि एक लोकप्रिय नृत्य है, इसका प्रदर्शन और चलन पूरे भारत में गुजरातियों द्वारा किया जाता है। मोहिनीअट्टम की बात करें तो यह नृत्य केरल के दक्षिणी पश्चिम भाग में आप देखते हैं प्रचलित है, और मोहिनीअट्टम का अर्थ होता है कि जादूगरनियों का नृत्य जिसका गुण सम्मोहित करने का होता है। और यक्षगान एक थिएटर का प्रकार है जिसमें नृत्य, संगीत, संवाद, वेशभूषा, साज सज्जा आदि का अनोखा प्रकार से सम्मिश्रण होता है। और आप सभी जानते हैं कि यक्षगान ये कर्नाटक संगीत भारतीय संगीत से भी अलग है, तो कर्नाटक में देखने को मिलेगा, इसका वास्तविक रूप केवल आपको कर्नाटक और केरल में ही अभी भी बचा हुआ है। तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे? सी ऑप्शन क्या रहेगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्या कह रहा है 89 हमसे? भारत में बौद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। पहला है विख्यात तीर्थ स्थल और अवस्थान। क्या? तीर्थ स्थल और अवस्थान। इसमें पहला है आपका टाबो मठ और मंदिर संकुल स्पीति घाटी, दूसरा है लेहोत्सव लाखांग मंदिर नको ये जंस्कार घाटी, अलवी मंदिर संकुल ये लद्दाख में। इनमें आपको सही बताना है, तो याद रखिए इसमें एक तो आपका एक सही है और एक आप देखेंगे तीसरा आपका बिल्कुल सही होगा। टावो मठ और मंदिर संकुल ये लाहौर बा स्पीति घाटी जो कि हिमालय क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। हजारों वर्ष पहले भगवान बुद्ध के बनाए गए मठों में से एक पवित्र और सबसे पुराना मठ है। यह 350 यानी कि 3050 मीटर की ऊंचाई पर आपको देखने को मिलेगा। रावो मठ को हिमालय क्षेत्र का अजंता भी कहा जाता है। नाको गांव जो कि किन्नौर में 3900 मीटर ऊंचाई पर आपको देखने को, वहां मंदिर प्रांगण में मठ स्थित है। मुख्य मंदिर का नाम लेहोत्सव लखांग या फिर महान अनुवादक के नाम पर रेनसंग जनरापो मंदिर भी है जस्कर घाटी जम्मू कश्मीर में। अलवी मंदिर की बात करें तो ये आप देखेंगे अलवी गांव के नाम पर पड़ा है, यह गांव सिंधु नदी के किनारे जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र के लिए जिला में आपको देखने को मिलेगा। यानी कि इसमें आपका एक और तीन बिल्कुल सही रहेगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने 90, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या करना है? विचार ही करना है। कैसे करोगे विचार? पहला है बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है, दूसरा कह रहा है पुष्टि मार्ग के दर्शन को मध्वाचार ने प्रतिपादित किया था, माध्वाचार ने। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखिए इसमें ना तो एक सही है और ना ही दो सही है, यानी कि डी होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बीजक कबीरदास की सुप्रसिद्ध और प्रचलित उपदेशों का संग्रह है। किनका? कबीरदास का, ना कि आपका संत दादू दयाल का। और कबीरपंथी लोगों के लिए पवित्र ज्ञान दर्शन प्रेरणा का स्रोत भी है बीजक। पुष्टि मार्ग के दर्शन को आप सभी जानते होंगे कि 1500 ईस्वी हिंदू धर्म के वैष्णव मार्ग के संत बल्लभाचार्य ने प्रतिपादित किया था, ना कि माध्वाचार्य ने। तो इसमें आप लोगों के दोनों कथन बिल्कुल सही है, माफ करिए बिल्कुल गलत है, डी रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 91, मंगानियार के नाम से जाने वाला लोगों का समुदाय। ए कह रहा है पूर्वोत्तर भारत में अपनी मार्शल कलाओं के लिए विख्यात है, बी कह रहा है पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है, सी कह रहा है दक्षिण भारत में अपने शास्त्रीय गायन संगीत के लिए विख्यात है, और डी कह रहा है मध्य भारत में पच्चकारी परंपरा के लिए विख्यात है। तो याद रखिए इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्या रहेगा? ये आपका मंगानियार राजस्थान के थार जिले की संगीत परंपरा के लोग हैं, ये लोग शास्त्रीय लोक संगीत के लिए काफी प्रसिद्ध भी हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 91, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था आखिर इसका? महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? एक कथन कह रहा है भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना,
दूसरा कह रहा है भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, और तीसरा कह रहा है भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। इनमें आपको सही उत्तर चुनना है। तो इसमें आप सभी को अगर मालूम होगा, थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा आप लोगों ने 1857 की क्रांति के आसपास, तो आप बता सकते हैं। देखिए इसमें आपका एक और दो कथन बिल्कुल सही रहेगा आपका। महारानी विक्टोरिया की घोषणा के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। 1858 एक्ट के बाद भारत शासन रानी के नाम से और तथा रानी द्वारा संचालित किया जाएगा, जो अभी आप कंपनी देख रहे थे ना, उसकी खत्म होने की बात हो रही है। इस एक्ट के लागू होने के बाद आप देखेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स समाप्त हो जाएंगे, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पद का सृजन होगा, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय काउंसिल ऑफ का गठन भी किया गया जाएगा। डायरेक्टर रायन ऑफ लैब्स व्यापगमन का सिद्धांत को निरस्त कर दिया गया, और ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की नीति को रोक दिया गया था, और विद्रोहियों को क्षमादान किया दिया गया, सिवाय उनके जिनके ऊपर ब्रिटिश लोगों को मारने का आरोप था। गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय ऑफ इंडिया पद का सृजन किया गया था। ठीक है, तो इसमें आपका एक और दो बिल्कुल सही है, यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 53, माफ करिए 93। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? ये फतेहपुर सीकरी आप लोगों को मालूम है, उत्तर प्रदेश में है। तो इसमें आपका ये कथन कह रहा है राज परिवार के इस्तेमाल के लिए मस्जिद, बी कह रहा है अकबर का निजी प्रार्थना कक्ष, सी कह रहा है वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था, डी कह रहा है वह कमरा जिसमें विभिन्न धर्म वाले कुलीन जन धार्मिक बातों के विचार जमा होते थे। तो इसमें आप देखेंगे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, और ये अकबर ने शुरू किया था, शुरू से ही धर्म अध्यात्म के सिद्धांत से प्रभावित था, और 1570 में जब अकबर फतेहपुर सीकरी में था, उसने विभिन्न धर्मों के धर्माचार्य जैसे उलेमा हो गए, ब्राह्मण हो गए, पादरी, पारसी के जो धर्म गुरु हुआ करते थे, इनसे विचार विमर्श करना शुरू किया, और 1575 के प्रारंभ में फतेहपुर सीकरी में एक भवन का निर्माण किया था, जिसको इबादत खाना नाम दिया गया था। यहाँ पर बृहस्पतिवार के को सारे धर्म गुरुओं के मध्य धार्मिक चर्चा होती थी। आज देखिए आज इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है कि मतलब सब लोग एक होकर रहें। अगला चलते हैं क्वेश्चन 94। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, भारत की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न फसलों के बीज प्रतिस्थापन दरों को बढ़ाने से भविष्य के खाद्य उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है, किंतु इसकी अपेक्षाकृत बड़े विस्तृत कार्यान्वयन में क्या बाधाएं या बाध्यताएं हैं? क्या बाध्यताएं हैं बताइए कुछ। इसमें एक कह रहा है आपसे, कोई भी राष्ट्रीय बीज नीति नहीं बनी। दूसरा कह रहा है निजी क्षेत्र की बीज कंपनियों की उद्यान कृषि फसलों को रोपण सामग्रियों और सब्जियों की गुणवत्ता वाले बीजों की पूर्ति में कोई सहभागिता नहीं है। तीसरा कह रहा है निम्न मूल्य एवं उच्च परिमाण वाले फसलों के मामले में गुणवत्ता वाले बीजों के बारे में मांग पूर्ति अंतराल है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। क्या चुनोगे? तो याद रखिए इसमें केवल आपका 3 ही सही है। सरकार ने भविष्य के खाद्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय बीज नीति की उद्घोषणा सन 2002 में की थी, और जिसके अंतर्गत सरकार निजी क्षेत्र के सहयोग से उक्त लक्ष्य को प्राप्त करेगी, समझ रहे हैं? और निम्न मूल्य उच्च परिणाम वाली फसलों के मामले में गुणवत्ता वाली बीजों के बारे में मांग पूर्ति अंतराल, इस तरह की बात की गई थी। तो इसमें आपका केवल 3 सही है, यानी कि ऑप्शन क्या रहेगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन 95, पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है बताइए, कुछ बताओगे? पहला कथन इसमें क्या कह रहा है आपसे? पहला कथन कह रहा है कि पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र में क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन घोषित किया गया है। दूसरा कह रहा है पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र को घोषित करने का प्रयोजन है उन क्षेत्रों में केवल कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं पर प्रतिबंध लगाना, और आगे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है, इनमें से सही क्या होगा? तो आपको बता दूं दोनों बिल्कुल गलत हैं।
पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र पर्यावरण संरक्षण के लिए, औद्योगिक प्रदूषण और अनियमित विकास के संरक्षित किए जाने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के क्षेत्र बनाए गए हैं, और यह क्षेत्र बेहतर साफ सफाई के लिए बनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे? डी, ना तो एक सही था ना ही दो। क्वेश्चन है हमारे सामने 96। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन स्थापित है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय है। और तीसरा कह रहा है राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। इनमें आपको सही कथन बताना है। तो याद रखिए, दूसरा और तीसरा कथन बिल्कुल सही है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड विश्व में भारत द्वारा स्थापित अपने प्रकार का एकमात्र बोर्ड है, जिस इसको 1962 में स्थापित किया गया था। कब? 1962 में। और इसमें पशुओं पर अत्याचार रोकने के लिए बनाए गए कानूनों का प्रावधान भी रखा गया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय है, जिसे 1972 के वन्य जीव संरक्षण कानून के अंतर्गत न कि पशुओं की देखभाल की जाती है। ठीक है, केंद्रीय सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया है, और इसके लिए राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण भी बनाया गया है। इसकी अध्यक्षता आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री साहब करते हैं, उस समय जो तत्काल प्रधानमंत्री हो। ठीक है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन 2 और 3 बिल्कुल सही। क्वेश्चन है हमारे सामने 97। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यौगिकों पर विचार कीजिए। ये विटामिन हो गई, इनकी कमी से हीनता से होने वाले रोग हो गए। आप देखिए कि विटामिन से भी आपके क्वेश्चन से एक दो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, तो इन्हें भी आप लोग बड़े सरल हैं और बड़े आसानी से आप लोग याद भी एक अगर एक से दो बार आप लोग देखेंगे तो आराम से याद कर पाएंगे। विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी रिकेट्स, विटामिन ई रात्रि अंधता। उपयुक्त में से सही योग में आपको चुनना है। तो याद रखिए, इसमें एक कथन बिल्कुल सही है, एक आपका दो कथन बिल्कुल सही है। मानव शरीर में आप देखते हैं कि स्कर्वी रोग का कारक विटामिन सी की कमी से होता है। रिकेट्स आप सभी जानते हैं कि विटामिन डी की कमी से होता है, जबकि जो रात्रि अंधता है ये विटामिन ए की कमी से होता है, ना कि विटामिन ई की कमी से। ठीक है, ये रात्रि अंधता ये आपकी विटामिन ए की कमी से होता है, याद रखिएगा। यानी कि इसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, राइट। क्वेश्चन है 98। विभिन्न उत्पादों के विनिर्माण में उद्योग द्वारा प्रयुक्त होने वाली कुछ रासायनिक तत्वों के नैनो कणों के बारे में कुछ चिंता है, क्यों है? वे पर्यावरण में संचित हो सकते हैं तथा जल और मृदा को संदूषित कर सकते हैं। वे खाद्य श्रृंखलाओं में प्रविष्ट हो सकते हैं। वे मुक्त मूलकों के उत्पादन को विमोचित कर सकते हैं। नीचे दी गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। तो याद रखिए, इसमें तीनों आपके बिल्कुल सही है। विभिन्न उत्पादों के निर्माण उद्योग में प्रयुक्त रासायनिक तत्वों के नैनो कण कई प्रकार से व्यक्ति और पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होते हैं, समझ रहे हैं? तो इसमें आपके तीनों बिल्कुल सही हैं, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है, 1 2 3 सही है। क्वेश्चन है 99। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशित करता है? इसीलिए कहा था कि कम से कम आप लोग सभी संगठनों को याद रख लीजिए, जो रिपोर्ट वो जारी करते हैं उन्हें भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि कई बार पूछ लेता है कि रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी की जाती है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि बार बार चिल्ला रहा हूं कि संगठनों को महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोग अगर 5 से 6 साल पुराने क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो आपको मालूम चल जाता है कि कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है और किस टॉपिक पर आपको कितना ध्यान देने की जरूरत है, किस टॉपिक से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि इसमें आप अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एक सर्वे है जिसका प्रकाशन अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष करता है। क्वेश्चन है हमारा 100 अंतिम। संघ के बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से गैर योजना व्यय के अधीन आते हैं? बताइए कौन से आते हैं। ए कह रहा रक्षा व्यय, बी कह रहा ब्याज अदायगी, तीन कह रहा है वेतन पेंशन, और चार कह रहा है उपदान। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो याद रखिए, इसमें चारों आपके बिल्कुल सही हैं। क्या है? चारों आपकी बिल्कुल सही रहेगी, यानी कि आप देखिएगे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो चलिए, ये थे आपके क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस हो गए, और ये आपका जो सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट है प्रीलिम्स का 2014 का, उसे हम लोग विस्तार से देख चुके हैं, और मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई आपको कंफ्यूज होंगे। अगर आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए, उसे भी बताते रहेंगे।
चलिए तो हम लोग मिलेंगे 2015 का प्रीलिम्स का पहला पेपर हम लोग देखेंगे, और इसी तरह से विस्तार से देखेंगे। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता रहता है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि विस्तार से देखने में टाइम लगता ही है। ये कोई हम लोग परीक्षा हॉल में नहीं बैठे हुए हैं कि केवल पढ़ के टिक ही लगाना है, यहाँ उनके आंसर भी बताना है और उनकी थोड़ी व्याख्या भी कर देनी है कि हो सकता है कि इनका थोड़ा भाव प्रारूप बदल के क्वेश्चन इसी तरह का पूछ लिया आपसे। ठीक है,